यहाँ पे लिखा है और साथ में लिखा हुआ है सभी प्रकार के सवाल सिंप्लीफिकेशन अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि लोग महीनों महीनों दस दस बारह बारह क्वेश्चन लगाते रहते हैं और फिर भी सभी प्रकार के सवाल मतलब इतना मजबूत कंटेंट जो है कंटेंट वो नहीं मिल पाता है तो ये आपका आज होने वाला है टॉप हंड्रेड सिंप्लीफिकेशन इसमें ऑल टाइप्स ऑफ सिम्प्लीफिकेशन को इंक्लूड करवा रहे हैं और देखो अगर मैंने ये पढ़ाया तो आप जो है पेपर बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगे और इसीलिए मैथ्स एक्सपर्ट मैथ्स पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया और इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से कुछ इसी टाइप का सेशन आज आपने किया था राइट हाँ। है ना जो भी एक हाँ, शायद तो हाँ। हाँ। सारे बच्चे मतलब अंग्रेजी इस लेवल पे उनकी सॉलिड है कि मतलब लिखा था हैंस, है ना? हाँ। तो उनको लग रहा है कि अच्छा कुछ मुर्गी उर्गी मैम है ना तो ध्यान रखियेगा साथियों ऐसा नहीं है अंग्रेजी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग अंग्रेजी ही बेड़ा पार करती है आज एस बी आई का एग्जाम हुआ हाँ। और इंग्लिश बहुतों के लिए सहारा बनी क्योंकि क्वांट रीजनिंग और जीए तीनों ही जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें दुर्दशा हो गई थी बच्चों की ये जो हमारा है ना इंग्लिश पोर्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करो है ना चलिए ठीक है मैम शुरू करता है अरे भाई साहब ये जो दिवानी वाला बच्चों का ट्रेंड है दीवानी मतलब यार क्या चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं आप सभी को ऑल और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और सेशन को लाइक जरूर करिए चलिए ठीक है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मैम बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है भाई तो शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में ध्यान रहे आज सौ सिंप्लीफिकेशन करने हैं हम लोग को और शुरुआत में ही मैंने बताया मैम के सेशन में इवन मैंने कमेंट भी किया था कि आज मतलब शरीर झंझन जन जाएगी क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन आता सबको है है ना आता सबको है बस बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होता है जैसे मैम आप देखिए एक छोटा सवाल आप ऐसे बस ऐसे आप लाइन पर रहिए आप हम देखो आपको हम छोटी सी बात बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सबको आता है है ना सबको आता है नहीं, नहीं।, 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 नहीं हाँ बनाते <laughs> भी है बस क्या है कि जैसे पंद्रह सवाल आए तो कुछ लोग इसको पंद्रह सोलह मिनट लेके चले जाते हैं फिर पाँच मिनट बचता है बाकी बीस सवाल के लिए कहते हैं टाइम ही नहीं मिला अब देखो सवाल ऐसे छोटे छोटे होते हैं कहीं पे अगर लिखा है फाइव माइनस थ्री प्लस टू अब इसकी वैल्यू क्या होगी एक बार आप अपने हिसाब से बता दें एक बार आप सभी लोग बताएं मैम भी हमारे साथ हैं आप लोग के साथ ही हैं है? तो मैम कह रही हैं इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी चलो भाई एक ऑप्शन हमारे पास जीरो आ चुका है दूसरा ऑप्शन है ना बहुत छोटा सवाल है बस फाइव माइनस थ्री प्लस टू है ना तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चार भी कह रहे हैं चलो ये भी बात आपकी मान लेते हैं है ना तो अब आपके हिसाब से मैम ये क्वेश्चन एक रहा ठीक है लेकिन अगर हम ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख दें लिखा है फाइव माइनस थ्री प्लस टू ठीक है और इस ऐसा लिख दिया मैंने Sir, ये नहीं आता बार की वैल्यू मुझे नहीं आता तो होता क्या कि नहीं बहुत छोटी-छोटी चीजों का मतलब खेल होता है है ना अब ऐसे ही है अब इसका जवाब कुछ अलग आएगा इसका जवाब कुछ अलग आएगा हाँ। ऐसे क्या होता है कि जैसे आपको याद होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करते हैं तो किया था मैंने ऊपर बोर्ड मास जीरो है या नहीं बच्चों ने बता दिया ना देखिए क्या है ना किसी तो। हाँ, तो अच्छा, हाँ। दो नंबर पेट होते ना, हाँ। तो ही होना है जैसे और दो का साइन क्या है पॉजिटिव तीन का क्या है माइनस है ना तो ये दोनों डिफरेंस ही आएगा मैं नाम नहीं लेना चाहती एक सर है जो कौन पढ़ाते हैं जो अभी तक क्वॉन्ट पढ़ाते हैं जब मैं पढ़ रही थी तभी भी कौन पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे ये पढ़ाया है आ, नहीं, आप नहीं। उन सर को जानते भी हैं कोई बात नहीं है <laughs> तो अच्छा एक और छोटी सी बात जैसे कहीं पे लिखा मान लीजिए डिवाइड हाँ। डिवाइड है है ना और ठीक अब इसकी वैल्यू क्या आएगी टू आएगी पक्का बोर्ड मास का मतलब क्या होता है पहले डिवाइड करते हैं पहले डिवाइड करते हैं ठीक है अब मान लीजिए किसी ने डिवाइड कर दिया आज फोर को टू से डिवाइड करिए कितनी आती है वैल्यू फोर को टू से डिवाइड करिए कितना आता है टू आएगा ना? हाँ ठीक है बिल्कुल टू आएगा हाँ. अब अगर सिक्सटीन को फिर टू से डिवाइड करेंगे तो एट आएगा तो इसका जवाब एट हो जाएगा अब इसमें एट भी हो सकता है टू भी हो सकता है अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जवाब होगा अरे क्या बात है यार तुम लोग क्या कर रहे हो टू यार तु... ऐसे मत कर रहे टू टू ज्यादा लोग लिखो मैं पहली बार ये इतने सालों बाद मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ मुझे टू कोई तो जितवा दो यार मेरे को देखो होता है क्या ना कि एक होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना एक होता है हवा हवा पढ़ना जैसे मैम ने बताया कि ठीक है भाई बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम जोड़ेंगे आपने क्या गया? तीन और नहीं हम इसमें उस वेक्ति, वेक्ति गलती नहीं देंगे हम आपके सीक्रेट गलती देंगे हाँ <laughs> क्योंकि होता है क्या ना मतलब आ, 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 कई बार टीचर सही भी सिखा रहे होते हैं हम हमारी इमेज थोड़ी मतलब हमारी इमेज मतलब कि हम समझ कुछ अलग तरीके से लेते हैं बाकी ठीक है दोस्तों शुरुआत करें तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहां पे हम मिस्टेक करते हैं आज इन सभी चीज़ों से पर्दाफाश होगा और आज के सेशन के बाद बस इतना सोचो कि थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी रेगुलर टीर एग्जाम और पंद्रह नंबर तो ठीक है कहीं नहीं गए ठीक है मैम शुरुआत किया जाए ठीक है तो आप सभी से शुरुआत करो और यार ये लाइक और लाइव को सेम कर दो सर आप डांटिएगा नहीं करे तो और सब जगह सेशन को शेयर कर दो चलो सर ठीक है मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम थैंक यू चले जी शुरुआत करते हैं हम लोग तो ये कुछ छोटी छोटी बातें देखो होता है क्या ना यार कि जैसे कि मैंने कहा कि बोर्ड मास बचपन में सिखाया गया हमें कि पहले ब्रेक देन ऑफ फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने कहा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं बोर्ड मास ऐसा कुछ भी नहीं होता ये सिर्फ आपको बचपन में आप गलतियाँ ना करें इसकी वजह से होता जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो मल्टीप्लीकेशन पहले करना है कि डिवीजन पहले करना है इसमें आपको बिल्कुल भी कभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप कुछ भी पहले करो बस इतना ध्यान रखो करो डिवाइड के बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो जैसे उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं कि पहले इसको डिवाइड करें पहले इसका डिवाइड के बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो चार था मैंने वन 1 फोर लिखा फिर डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई किया टू का मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया कभी भी गलती नहीं होगी अब आपके सामने आपका जवाब है सिमिलरली यहां पे आप देखें तो मैंने कहा कि भाई एडिशन जब भी कभी बोर्ड मास में पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कभी कुछ मत सोचना बस इतना ध्यान रखना कि जिन दो नंबर के साइन अपोजिट हों उनके बीच का डिफरेंस ही हमेशा लगेगा उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है और जिनके साइन सेम होते हैं उनको हमेशा ऐड ही करना है आपका मन कर रहा है पांच में दो जोड़ो पहले क्यों क्योंकि पांच का भी साइन प्लस है दो का भी साइन प्लस है पांच और दो हमेशा जुड़ेंगे पांच और दो पहले जोड़ के साथ और फिर तीन घटाओगे तब भी चार आएगा अगर आप इन दोनों पे पहले परफॉर्म करना चाहते हो आप कहेंगे पांच और तीन में घटे क्योंकि अपोजिट साइन है घटाओगे दो और दो प्लस फिर हमारा चार आएगा अगर आपका मन कर रहा है पहले इन दोनों को परफॉर्म करने का माइनस थ्री प्लस टू करोगे माइनस वन आएगा और फाइव माइनस वन फिर फोर आएगा यानी पहले जोड़ना है कि पहले घटाना यह व्यर्थ की बातें हैं हमेशा बस ध्यान रखें उन दो नंबर को जोड़ेंगे जिनका साइन सेम हो उन दो नंबर को घटाएंगे जिनका साइन अपोजिट हो शुरुआत करने चल रहे तकरीबन सौ सवाल हम लोग को सॉल्व करना है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दिया जाए एग्रेशन कैसा है भाई एक बार झमाझम जम तरीके से बिल्कुल एग्रेशन अपना दिखा दिया जाए हाँ, खींच के एकदम सब बड़े स्तर पर एकदम और शुरुआत करेंगे हम लोग और सिंप्लीफिकेशन के सौ सवाल करने आक्रामक अंदाज होना चाहिए भैया कंपटीशन दिखना चाहिए मुझे उम्मीद है कम से कम तीन हजार बच्चे आज के सेशन में जुड़े हैं उसमें आपकी भूमिका प्रमुख होगी आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ और यहाँ पे इसमें भी बहुत कुछ सीखना है चलो भाई सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कितना सेकंड लगता है आपको सॉल्व करने में पहले दस सवाल हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे उसके बाद खींच के एकदम परफॉर्म करेंगे अब जैसे इस सवाल को सॉल्व करना है अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे ठीक है भाई ठीक है भाई अब देखो यहां पे क्या है कि ये जो हमारी इस साइड की नंबर दिख रही है ना ये x प्लस इतना ये इस साइड आ जाएगी अब वो बच्चे जो एक लाइन में इस बात को माने थे कि भाई एक लाइन में ही जोड़ना घटाना परफॉर्म करें वो बड़ी तेजी के साथ इसका आंसर करेंगे अन्यथा आपको टाइम लग जाएगा देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में टाइम कितना चाहिए उस पर फोकस करते हैं पहले पॉजिटिव नंबर पर फोकस करो चार और छह जुड़ेगा दोस्तों चार पॉजिटिव पे फोकस करो चार और छह जुड़ेगा आखिरी अंक दस आएगा हासिल एक लग जाएगा पॉजिटिव वाले पे अब आते हैं हम लोग जो हमारे पास माइनस साइन के साथ नंबर है वो भी आपस में जुड़ेंगी जैसे आठ यहां पे लिखा है आठ और छे मिलकर के चौदह चौदह और छह मिलकर के बीस हुआ और यहां पे हासिल क्या चलेगा दो चलेगा हासिल ठीक है भाई अब बहुत ध्यान से देखेगा तो आखिरी अंक तो मेरा जीरो ही आना है उसमें कोई दो राय नहीं अब आते हैं हम लोग जो सेकंड लास्ट डिजिट है क्योंकि हर जगह पे ऑप्शन में देखें तो लास्ट डिजिट हर जगह पे जीरो है सेकंड लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं चार और एक मिलके पांच हुआ पांच और पांच मिलकर के दस और फिर से हमारा हासिल एक चला गया है हासिल एक लिख लेते हैं फिर अब इस साइन नेगेटिव वाले पे आते हैं दो और एक मिलकर तीन तीन और पांच मिलकर के आठ हुआ और आठ और आठ मिलकर के दोस्तों कितना हो गया सोलह अब अगर हम इस जीरो में से छे घटाएंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो चार आएगा इसलिए चालीस कहां लिखा है लास्ट में ऑप्शन तीन ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा आगे बात समझ में नहीं आई अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया उन्होंने पूरा चालीस लास्ट तक निकाला है झूठ मत बोलना अगले क्वेश्चन पे आते टाइमर स्टार्ट होता है अगर आप सीख गए हैं एक लाइन में जोड़ना घटाना परफॉर्म करना तो एक बार खींच के इसको चटका दिया जाए भाई शाबाश राशन कार्ड लेके एग्जाम देने गया गुड्डू भैया नहीं नहीं बढ़िया है गुड्डू भैया मतलब ठीक है चलिए जी शुरुआत करते हैं हम लोग रफ्तार मेंटेन रहनी चाहिए बस इतना ध्यान रखें साथियों हमारे पास जो नंबर लिखी गई वो कही गई कितना पंद्रह सौ अट्ठाईस ठीक है अभी मेन फोकस हमारा इस मिडिल वाली नंबर पे होना चाहिए ये वाली जो नंबर लिखी है अगर हम 525 को 25 से डिवाइड करते हैं 22, 25 दो न पच्चीस पच्चीस एक कम पच्चीस बस इतना ही करना है यहां पे प्लस साइन था यहां माइनस साइन के साथ 840 अब देखो ये जो 510 सौ दस से साथियों इस साइड आएगा और 510 होगा बराबर में एक्स मतलब ये हमारा पार्ट खत्म हो गया ठीक है अब एक साथ परफॉर्म करना है इसके लिए हम क्या करेंगे देखो जरा आठ आठ लिखा आठ और एक नौ नौ में जीरो घटाओगे फिर नौ आएगा नौ में जीरो घटाओगे फिर नौ आएगा इसके बाद हमने कहा दो दो और दो जोड़ दिया वैल्यू आ गई चार के बराबर अब चार में हमें कितना घटाना है पांच चार देखो चार में हमें नौ घटाना है तो चौदह में नौ घटाओगे तो पांच आएगा फिफ्टी नाइन कहीं दिख रहा है क्या फिफ्टी नाइन एक ही जगह पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर तीन पे भाई ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं हमने गलती कर दी क्या कहीं पे ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं मैंने कहीं पर गलती की क्या <coughs> फिर से देख लेते हैं अच्छा एक बार अगर इनको डायरेक्ट ऐड ही करके लिखें तो पंद्रह और बीस बीस, बीस चालीस आठ और एक मिलकर नौ यानी फोर्टी नाइन आ गया ठीक है पंद्रह सौ उनचास हुआ माइनस आठ सौ चालीस और माइनस पाँच सौ दस यही लिखा हुआ है बराबर एक स्टेप चलो उतार लिया हम उतारना नहीं चाह रहे थे लेकिन एक स्टेप उतार लिए हैं अब देखो जरा तो लास्ट में तो नौ ही आएगा बाकी हम अगर यहाँ पे चार में घटाना चाहें तो चार में चार घटाएंगे जीरो और जीरो में एक यानी दस में एक घटाना जीरो में एक मतलब दस में एक बिल्कुल सही बात नौ आ जाएगा अब एक काम करते हैं जब जीरो में एक घटाया नहीं मैंने उधार भी लिया तो यहाँ पे नंबर बचेगी चौदह अब ये आ गई चौदह चौदह हमें आठ घटा दिया छः और फिर छह में पांच घटा दिया तो एक वन नाइन सवाल का जवाब रहा ऑप्शन नंबर वन मैंने यहां पे पे मिस्टेक की थी साथियों माफ करिएगा यहां ऑप्शन सी जो मैंने बताया क्योंकि हम स्टेप उतार नहीं रहे थे इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई बहरहाल अगले सवाल में बढ़ते हैं बिल्कुल सही जवाब है वन नाइनटी नाइन जिनका आया बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे चलो भाई रफ्तार के साथ शाबाश आज एस बी आई पी ओ बहुत सारे बच्चे बहुत कष्ट का अनुभव किए हैं बहुत सारे हमारे फेवरेट स्टूडेंट भी बड़ा परेशान थे मैंने कहा बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर आपने तीस में से आठ क्वेश्चन कर लिया तो आपने मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है है ना तीस में से अगर आपने आठ कर लिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं ठीक है तो आज के एस बी आई जो रहा दो का जो मेरा आपका अनुभव है दो में तो सबसे देखो दो ही एग्जाम होते हैं कैलेंडर में जो डिफिकल्टी लेवल के तगड़ा होते हैं एक आई बी पी एस पी वन एस बी आई पी वुमेंस आई बी पी एस पी वुमेंस कॉन्ट नॉर्मल थे एस बी आई पी वूमेंस की जबरदस्त आई और एस बी आई पी वुमेंस कॉन्ट इस तरीके से कि पिछले तीन चार साल से मतलब पेपर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पिछले तीन चार साल में सबसे खतरनाक पेपर इस बार आया एस बी आई पी वुमेंस का क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट इन्होंने तो डिफिकल्ट कर दिए थे मॉड आपका रीजनिंग क्वांट और जी ए तीनों डिफिकल्ट कर दिए थे वैसे तो एक ही डिफिकल्ट करते हैं लेकिन इस बार तीनों डिफिकल्ट कर दिए आइए जी शुरुआत करते हैं हम लोग दुकानदार की अप्रोच है ना दुकानदार अब देखो जो लोग परचून की दुकान वगैरह जाते हैं सामान खरीदने वो ध्यान देंगे जैसे लिखा गया एक्स मल्टीप्लाइड में तेरह गुड़े तीन उनतालीस और एक मिलकर के चालीस बटे तीन हुआ ठीक है जी बराबर ग्यारह गुड़े छः छियासठ और छः मिलकर कितना हो गया बहत्तर डिवाइड बाई ग्यारह मल्टीप्लाइड में नौ सौ तिरसठ और दो मिलकर के पैंसठ बटे नौ ठीक है भाई मल्टीप्लाइड बाई तेरह गुड़े नौ एक सौ सत्रह और चार जोड़ोगे एक सौ इक्कीस डिवाइड बाई कितना आ गया तेरह के बराबर दुकानदार से मेरा मतलब था कि यार थोड़ा थोक में काटने की कोशिश किया करें कैसे थोक में फुटकर कर मैंने कि तुमको मतलब रोज़ आलू काम लगना ही लगना है तो तुम जाके पाव पाव भर आलू खरीद रहे हो नहीं आलू जब रोज काम लगने थोक में उठा लाओ एक बोरी आलू सस्ता भी पड़ेगा तो थोक में काटने का मतलब ये होता है जैसे अब यहाँ पर क्या क्या थोक में काट सकते हैं फिलहाल तो अभी कुछ विशेष दिख ही नहीं रहा हमें अगर इस पर देखेंगे तो कितना दिख रहा है पाँच ग्यारह से कैंसिल किया ये पूरी नंबर आ गई ग्यारह नौ से कैंसिल किया यहाँ पर आया आठ आठ पंचे देखो ये थोक में काटाना आठ पंचे चालीस ये चालीस ऐसा नहीं कि पहले आठ से चालीस काटो पांच आया फिर पांच से पांच काटो नहीं जो दिख रहा है थोक में काट दो हमारे पास डिनोमेटर में बचा है तीन और यहां पर है ग्यारह तो ग्यारह गुणे तीन तैतीस आएगा आंसर ऑप्शन नंबर फोर इतनी सी बात रही अगला क्वेश्चन भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है चौथे सवाल पे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं रुकना नहीं है थमना नहीं है सौ सवाल करने का मतलब होता है कि शुरुआत में जितना रिदम बना लोगे आप बहुत जबरदस्त भाई शानदार ठीक है 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 डॉली कैरी पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारी मेहनत से आएगा भाई हैं कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो बचपन में ऐसा लगता था कि मतलब एक फावड़ा मारेंगे एक हिसाब एक बार खो देंगे तो खटाक से सोना उगल देगा नहीं सोना उगलने का मतलब होता है कि आप इस जिस धरा पे हैं ना है ना आप खुद मेहनत करें ऑटोमेटिक सब कुछ हाँ सोना चांदी सब निकले गए हैं इसे मेहनत करो देखो लोग कितना सोना उगा रहे हैं आइए जी इस सवाल पे देखते हैं बहुत ध्यान से देखेगा सबसे पहले कहा गया नौ दुना 18 एक मिलकर के उन्नीस बटे 19 डिवाइड 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 मल्टीप्लाई कम और 21 ठीक है है जी अब है तो मल्टीप्लाई लिख दिया तीन छत बटे तीन होगा लेकिन हम इनवर्स करके तीन बटे सात लिखेंगे मैंने कहा ना देखो ये पूरी नंबर कितनी हो रही है आपने कहा सेवन बाई थ्री लेकिन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया और नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया ठीक है साथियों माइनस का लिखा गया वन बाई टू बराबर एक्स माइनस वन फिर वन बाई टू तो आप ऐसा कह सकते हो वन बाई टू वन बाय टू चूँकि दोनों जगह पे नेगेटिव है ये वन बाई टू ये वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा अभी इस पर फोकस करते हैं ये कैंसिल हुआ भाई ठीक है जी इक्कीस <coughs> से कैंसिल करोगे तिरसठ को तो नीचे तीन आएगा तो कुल मिलाकर के इस साइड बचा है वन बाई थ्री इस साइड बचा है वन बाई थ्री ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन होगा और इधर आ जाएगा एक्स तो कुल मिला के चार बटे तीन दिख रहा है क्या कहीं पे चार बटे तीन दिख रहा है क्या नहीं 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 दिख रहा नौ सौ तिरसठ एक सेकेंड एक सेकेंड माफ करेगा ये तीन और तीन भी तो कैंसिल हो गया भाई तो कुल मिला के बचा कितना एक सेकंड एक सेकंड मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाला तीन छोड़ दिया था तो कुल मिला करके ये पूरा पोर्शन जो ब्रैकेट वाला है ना ये वाला पूरा पोर्शन ये तो हमारा वन बच गया भाई ये तो वन बचा ये माइनस वन इधर आके जुड़ा तो प्लस वन यानी एक्स की वैल्यू कितने के बराबर दो के बराबर ऑप्शन पांच करेक्ट आंसर रहा बहुत ही प्यारा सवाल था यहाँ पे लिबिर लिबिर हो सकता है बहुतों से यहाँ पर घायल हो सकते हैं वैसे फिलहाल तो जवाब सही है ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर ठीक है भाई बढ़िया नेक्स्ट में मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन फाइव आपके स्क्रीन पे टाइमर स्टार्ट होता भाई जबरदस्त चलो <coughs> अब यहां पे किस लेवल की परफॉर्मेंस होगी हमारे प्यारे छात्रों की वो देखना जरूर है ठीक है जी जबरदस्त शानदार ऑप्शन ए बताया जा रहा है देखो अब देखो इस टाइप की जगह मतलब ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं हमें तो पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि बाद में स्क्वायर रूट निकालना है कितना नंबर आएगी ये वन ट्वेंटी फोर आएगा अच्छा एक बात ध्यान रखें ये जो सिम्प्लीफिकेशन है आपके मॉडरेट वाले चल रहे हैं आपको महसूस हो रहा है कि नहीं एक बार कमेंट बॉक्स में बताया जाए सवाल सॉल्व होना मात्र ही सवाल गुरु मुझसे सॉल्व हो जा रहा है इसलिए ईजी लग रहा है बेटा क्लर्क प्री के पेपर में सब कुछ ईजी होता है ये बात ध्यान रखना क्लर्क प्री के पेपर में सब कुछ ईजी होता है आप बस ये देखते चलो कितने सवाल टाइम के अंदर कर रहे हो एक एक्सपीरियंस के नाते हम सिर्फ इतना बला बता रहे हैं आपको कि थोड़े से मॉडरेट किस्म के सिम्प्लीफिकेशन है क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना बहुत कम बच्चे हैं जो 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं जितने बच्चों का बीस सेकंड के ऊपर का टाइम जा रहा है एक बार वो कमेंट बॉक्स में थम्सअप करके बता दें हाँ सर बीस सेकंड से तो ज़्यादा लग रहा है अभी आएंगे नॉर्मल सवाल भी आएंगे ऐसा नहीं है तो साथियों यहां पे आते जवाब 124 रहा बगल में कितना लिखा गया माइनस का 180 ठीक है जी इस जगह पे आते हैं तो अब एक काम करते हैं इन दोनों को पूरा ऐड करके ही लिख लो कैसे ऐड करेंगे छः और चार मिलकर के दस हुआ कैरी एक चार एक पाँच पाँच और तीन मिलकर के आठ हो गया सात और तीन मिलकर साथियों दस के बराबर अब ध्यान से देखें आप तो ये पूरा का पूरा नंबर कितना लिखा है आपने कहा नौ सौ इस नौ सौ में मेरे प्यारे दोस्तों एक सौ चौबीस अगर आप ऐड करेंगे तो जवाब वन जीरो टू फोर आएगा यहां पर एक स्क्वायर लिखा गया अब कहते गुरु जी मुझे स्क्वायर याद ही नहीं हम क्या करें हाँ, हम क्या करें स्क्वायर तो गुरु जी याद ही नहीं है तो यहां पे आपने हाँ थोड़ा चीछा लेदर किया बाकी और कुछ नहीं अगले सवाल पे आते हैं अब आप क्वेश्चन नंबर छ पे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर लिख करके मैंने कहा था पांच सवाल तक आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे क्वेश्चन नंबर छह से सभी छात्र आंसर लिख करके क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर मार करेंगे क्वेश्चन नंबर छः का आंसर दो सौ ऐसे मार करो एक बार देखते चले ना भाई क्या स्थिति चल रही है बहुत जबरदस्त शानदार भाई क्वेश्चन नंबर छह का आंसर कितना आ रहा है याद है स्क्वायर मानसी तब तो बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन नंबर छह किसी ने नहीं लिखा है अयांश दो लिख रहे हैं? जॉर्डन बाबा के गांव वाली बदमाश बबली ये बढ़िया भाई क्वेश्चन नंबर छः लिख करके आंसर मार्क करने वाले बच्चों की संख्या में कमी थी फिलहाल साथियों अब हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ये भी हम मॉडरेट वाली श्रेणी में रखेंगे तैंतीस से डिवाइड करना है एक और एक दिख रहा है बीच में जीरो लगा दो प्लस छब्बीस से डिवाइड करना है छब्बीस एक कम छब्बीस होता है फिर कितना आ जाएगा दोस्तों चालीस में छब्बीस घटाओगे चौदह एक सौ चालीस और छब्बीस पंचय कितना होता है एक सौ तीस फिर दस आएगा तो छब्बीस घुड़े चार एक सौ चार मतलब ठीक है जी प्लस पच्चीस से डिवाइड करो पच्चीस दोनों पचास पच्चीस गुड़े छः एक सौ पचास अब इस इतने को ऐड करना है और आप सब बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर बता चुके हैं भाई अगर एक बात बताओ चौवन और छब्बीस को ऐड करें पचास बीस सत्तर छः चार दस एक सौ अस्सी हुआ एक सौ अस्सी को एक सौ एक से ऐड करें भाई तो जवाब आता है टू एटी वन इस सवाल का जवाब चटका दिया आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन छह हो चुका है आगे से क्वेश्चन नंबर सेवन लिख करके आंसर मार करिएगा आने वाले सवालों में हम देखेंगे कितने सवाल कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पर खींच के आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन लिख करके आंसर मार करिएगा जबरदस्त भाई क्वेश्चन नंबर सेवन पे मूव कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत बढ़िया भव्य नंदिनी जबरदस्त भाई क्वेश्चन hmm. सिक्स हो चुका है क्वेश्चन सेवन शाहबाज ने क्वेश्चन सेवन का अयांश शर्मा ने क्वेश्चन सेवन का आंसर बताया है ऑप्शन भी यानी फोर्टी फाइव इन्होंने बताया अयांश ने हर्ष ने भी क्वेश्चन सेवन का आंसर डॉली ने भी क्वेश्चन सेवन का आंसर थर्टी फाइव बताया इनका ऑप्शन अलग है क्वेश्चन uh, सेवन का आंसर बी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं फोर्टी फाइव और अगर ऐसा है तो अयांश ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया भाई अयांश के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व करने वाला था नहीं है बहुत बढ़िया अयांश आपने बहुत अच्छा किया ध्यान से देखें साथियों अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे अगर आप यहाँ पे फोकस करो देखो ट्वेंटी एट डिवाइड बाई वन वन टू क्या अट्ठाईस गुड़े चार एक सौ बारह होता है क्या आप बताओ क्या 28 गुड़े चार एक सौ बारह होता है बिल्कुल होता है आपको पता है कि वन वन टू नीचे आएगा बिल्कुल सही बात यानी अट्ठाईस हम हम हमें परेशान कर, हाँ। कर रहा है तो पंद्रह का डबल करेंगे और जवाब आएगा थर्टी वन डिवाइड बाई टू ऐसा लिख देंगे साथियों बगल में यहां पे देखते हैं तो यहां पे जीरो जीरो तो कैंसिल होगा बाकी अगर हम चौबीस से डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी बाकी कुछ नहीं और बराबर लिखा गया एक्सअपॉन फाइव बहुत ही बेहतरीन सवाल भाई फ्रेम किया गया है मतलब आप कहते ना विदाउट पेन नहीं मार कर पाएंगे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा साथियों अगर यहां पे देखें अच्छा ही, अगर इसको टर्मिनेट करने की कोशिश करें कितना तीन से कैंसिल करेंगे यहां पे नंबर आठ आएगी तीन से इसको कैंसिल करोगे तीन सौ बारह तीन एक कम तीन यानी ये नंबर लिखेंगे हमारी फोर्टी वन डिवाइड बाई एट और बगल में देखें तो लिखा गया थर्टी वन डिवाइड बाई एट बोलो हां तो क्या ये पूरी की पूरी नंबर हमारी इकतालीस और इकतीस एड करोगे तो क्या ये पूरी नंबर सेवनटी टू होगी मैं आप सभी से मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं क्या ये सेवनटी टू बाई एट होगी हाँ होगी तो सेवेंटी टू बाई एट का मतलब कितना हुआ नाइन हुआ ना तो ये पूरी वैल्यू नाइन आई बगल में लिखा गया एक सौ पॉइंट फाइव के बराबर तो पांच गुड़े नो कितना आएगा पैंतालीस ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया आप सब लोगों ने विदाउट पेन प्रियंका मतलब इतना झूठ तो ना बोला करो ना बिटिया इतना झूठ तो ना बोला करो कम से कम इस सवाल को विदाउट पेन मतलब यार नेक्स्ट लेवल चलिए खैर कोई बात नहीं <coughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइएगा ठीक है और इससे मतलब इसे पब्लिकली मत लिख दिया करो इस टाइप के सवाल में विदाउट पेन हाँ नासा वाले उठा ले जाएं कहेंगे भाई मतलब खर्चा कर रहे हैं हम कि पूछ रहे हैं कि मंगलयान पे मंगल ग्रह पे पानी है कि नहीं है इसी चक्कर में इतना पैसा खर्च हो रहा है आप तो धरती को लगती नहीं तो हो सकता मतलब इस टाइप में बोलोगे तो मतलब सस्पेंस हो जाएगा भाई विदाउट पेन कैसे आपने सॉल्व कर दिया आइए अगले सवाल पे अब इसको भी बोल दो विदाउट पेन तब तो भाई शक होगा ना शंका होगी ना है पूरा एकदम चले खैर कोई बात नहीं बढ़िया जी शाबाश क्वेश्चन नंबर एट लिख करके आंसर मार करिएगा आप सबसे इतना कहना है क्वेश्चन एट लिख करके आप सभी आंसर मार करेंगे देखो तकरीबन 2200 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संख्या आज तीन हजार के पार जानी चाहिए अगर आप सब थोड़ा प्रयास करेंगे तो जरूर से जरूर ये बच्चों की संख्या तीन हजार पार जाएगी ठीक है साथियों चलिए जी बहुत जबरदस्त शानदार तो क्वेश्चन एट का आंसर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं है ना क्वेश्चन एट का आंसर ऑप्शन डी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं जिनमें सबसे पहला अभिषेक परिंदा नहीं परिदा अभिषेक परिदा भाई प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहते हैं तो अभिषेक जी ने भाई क्वेश्चन uh, uh, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर एट का आंसर ऑप्शन डी किया बहुत बढ़िया अभिषेक तो अगर ये सवाल सही है तो भाई अभिषेक ने इतने सारे बच्चों के बीच में अपना पहला स्थान हासिल किया तो बिल्कुल ये अच्छा मतलब है ना बधाई योग्य काम है आइए यहां पे देखते हैं 80 का स्क्वायर लिखा गया हमने इसको 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 लिखा मल्टीप्लाइड बाई छः लिखा ठीक है ये ब्रेकेट में बंद कर दिया कोई इसमें दिक्कत नहीं डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके वन बाई फोर्टी लिख दिया डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके वन बाई फाइव लिख दिया बराबर साथियों चौदह का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स माइनस एक्स लिखा गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यही पे तो सारा खेल है क्या हम एक काम कर सकते हैं चालीस से अगर इसको कैंसिल करेंगे वैल्यू दो आएगी बोलो हाँ पाँच से कैंसिल करेंगे वैल्यू सोलह आएगी बिल्कुल सही बात और हम अब देख पा रहे हैं कि सोलह कितना कितना बच्चा देखो जरा छः दूनी बारह ठीक बारह मल्टीप्लाइड बाई दूनी बारह हो गया मल्टीप्लाइड बाई सोला और बराबर वन अच्छा वन नाइनटी सिक्स माइनस सिक्स लिखा है ठीक है जी तो कुल मिलाकर ये नंबर तो आप सबको पता यारन नाइनटी टू ही होती है ना सोलह दूसरी बत्तीस अब वन अब टू x इधर आएगा 196 में सब होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई चार के बराबर बिल्कुल सही जवाब अभिषेक भाई बहुत जबरदस्त आंसर किया आपने आठ सवाल कंप्लीट हो चुके हैं साथियों सौ करने हैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर आपकी स्क्रीन पे लिख करके आंसर करिएगा और हर सवाल आपके लिए एक चैलेंज होगा कि पहला स्थान इस बार लेके आना क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर और इसमें तो ला सकते हो यार पेन मत चलाना इसमें आ जाएगा आपका पहला स्थान बढ़िया चले जी बहुत जबरदस्त टाइम समाप्त होने वाला है साथियों क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर सबसे पहले इस बार राहुल नंदी ने दिया है राहुल नंदी ने भाई बहुत धमाकेदार अपना प्रेजेंस यहाँ पे दिखाया है प्रतीक्षा राजपूत ने भी यहाँ पे बताया ऑप्शन नंबर डी चलो बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे जुड़ते हुए ठीक है क्वेश्चन नंबर राहुल नंदी इस बार बताएं ऑप्शन नंबर डी अगर ऑप्शन नंबर डी सही है वैसे इस सवाल में गलती होने की संभावना बेहद कम है चौदह अब देखो नोट करके सभी छात्र लिखेंगे अगर आपको स्क्वायर रूट की अप्रोच नहीं आती तो स्क्वायर रूट की अप्रोच सीखो आप मुझे बताओ क्या ये संख्या जो 1444 लिखी है क्या ये इसका क्या ये नंबर 2500 से कम है या ना में जवाब देना स्क्वायर रूट की अप्रोच भी देख लो क्या ये नंबर हमारी 2500 से कम है आपने कहा हाँ गुरुजी 2500 से कम है तो अगर ये 2500 से कम है तो इसका स्क्वायर रूट 50 से कम होगा बोलो हाँ 50 से कम होगा हमने कहा कितना कम होगा तो आखिरी के जो दो अंक हैं ये किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आते हैं तो आप कहोगे बारह का स्क्वायर गुरु जी 144 होता है यानी बारह के स्क्वायर के लास्ट में आते हैं तो पचास में बारह घटाओगे इसका स्क्वायर रूट अड़तीस हो जाएगा बिल्कुल कितना संभाल के आपने चटका दिया कोई दिक्कत नहीं आई अब ये जो संख्या लिखी गई है आप देख पा रहे हैं कि ये 2500 से तो काफी ऊपर है 2500 के ऊपर है और हाँ ठीक है तो ये संख्या किसके 2500 के ऊपर है अगर ये 2500 के ऊपर है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 50 से ज्यादा होगा अच्छा कितना ज्यादा होगा साथियों तो जरा बताएं एटी जो लिखा है ये एटी किसके लास्ट में आता है ये जो 84 है ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है तो आपका जवाब होगा गुरुजी 22 का स्क्वायर चार होता है तो क्या हम 50 और 22 मिलकर के बहत्तर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं बगल में लिखा गया 22x और हम इसको अगर 8 और 2 मिलकर 10 सात तीन 10 और एक मिलकर 11 डिवाइड बाई साथियों ट्वेंटी करेंगे और जवाब आएगा मेरा पाँच के बराबर तो स्क्वायर रूट की अप्रोच थोड़ा सा बताने की कोशिश की बाकी इसकी डिटेल अप्रोच चाहिए तो नॉर्मली सर्च कर लेना स्क्वायर रूट अप्रोच वैदिक मैथ बस इतना ठीक आपको मिल जाएगा पूरा इसका पूरे की पूरी गाथा इसी कैसे मैंने करवाया है इसको तो बहुत बढ़िया भाई इस बार राहुल नंदी ने इसका आंसर दिया तो आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है कॉम्पिटिशन हर तीन तीन सवाल तीन अलग अलग नाम यानी आपके लिए वो पहला प्लेस हर सवाल में ओपन रहता है वो सवाल ओपन है आपकी कर्मठता आपके अंदर वो कंपटीशन की भावना आपके अंदर वो कर कुछ कर गुजरने की भावना वही आपका उस पहले स्थान पर अपना नाम रखती है आइए अगला क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों इसको भी खींच के चटकाएंगे हम लोग यहां पर थोड़ा टाइम लग जाएगा बहुत सारे बच्चों को और लगना भी चाहिए सवाल है स्क्वायर रूट बड़े बड़े नंबर हैं इसको हम उसे से नहीं सॉल्व कर सकते बेटा 25 के ऊपर हम इसलिए कह रहे हैं बैनर्जी साहब स्वास्तिक बैनर्जी इसलिए कह रहे हैं पूरा डिटेल देख लो कि कैसे है वो है ना हम लोग पच्चीस के ऊपर नहीं कंसिडर करते ठीक है स्वास्तिक ठीक है जी शाबाश बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टेन का आंसर सबसे पहले जिस छात्र ने किया है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर विकास कपूर ने बताया है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर तीन सौ तेरह है भाई तीन सौ तेरह इन्होंने बताया है बाकी अयांश ने बताया ऑप्शन ई ठीक है ए, जी अयांश ने ऑप्शन ई बताया है क्वेश्चन नंबर दस का आंसर कुछ लोग डी बता रहे अब इस सारे के सारे बस तुक्के का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिल रहा है है ना हाँ तुक्के का मतलब भरपूर इस्तेमाल इसमें कोई दो रहा है नहीं ठीक है जी तुक्के का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल आइए इस सवाल पे अब अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सब देखो कैसे करेंगे हम लोग हमारे सामने लिखा ये नंबर बड़ा है भाई इसके लिए हमें अलग अप्रोच देखनी होगी नंबर लिखा इतना अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग चेक करें तो हम देख पा रहे हैं छह है तो लास्ट में या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग देखो दो तीन अप्रोच है एक अप्रोच तो हमारी ये होती है कि अगर मान लीजिए अभी रिसेंटली हम आजकल बच्चों को बताना शुरू किए हैं और यही बताते हैं हम कि भाई छः है तो खाली ये देखो कि इसके लास्ट में चार आएगा बाकी इधर देखो इसके आसपास की परफेक्ट स्क्वायर तो आप कहते हैं पाँच होती है इससे बड़ी है ना पाँच इससे बड़ी होती है और पाँच जो होती है वो इससे छोटी होती है इनके बीच का गैप कितने का दिख रहा है अट्ठारह का इनके बीच का ज़रा गैप देखें कितने का दिख रहा है अट्ठारह का गैप दिख रहा है उनतीस आठ सैंतीस दस इनके बीच का गैप कितने का दिख रहा है तो आपने कहा सैंतीस और सैंतीस uh, और uh, कितना नौ uh, मिल करके के छप्पन होगा और यहाँ पे उनतीस का गैप दिख रहा है यानी नज़दीक इससे है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका ट्वेंटी uh, थ्री ले लेंगे

वो आप कहेंगे कि बीस का स्क्वायर होता है चार ठीक है इक्कीस का स्क्वायर होता है चार अभी इनके बीच का गैप तेरह दिख रहा है इनके बीच अट्ठाईस यहाँ पे बड़ी वाली नंबर कंसीडर करेंगे यानी इक्कीस ठीक है अब एक जीरो बढ़ा लो क्योंकि इससे कम है तो माइनस साइन लगाएंगे 210 में तीन घटाया तो वैल्यू आ गई 207 बगल में लिखा गया 234 ठीक है 234 और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना तो ये पूरी नंबर आ गई हमारी 441 और 441 का स्क्वायर रूट हो गया 21 के बराबर तो इसको हम कहेंगे टॉप टाइप का सवाल क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने में बहुतों के पसीने छूटे हैं है ना भाई इस सवाल को सॉल्व करने में बहुतों के पसीने छूटे हैं इसमें कोई दो राय नहीं एक बार आप लोग बताओ आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको भी स्क्वायर रूट की अप्रोच नहीं पता है वो सभी छात्र एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जिनको भी स्क्वायर रूट की अप्रोच नहीं पता आप नॉर्मली वैदिक मैथ के वीडियोज़ आप यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं बहुत सारे है। और आप मेरे तो मन में आ रहा है कि आपको डेली पंद्रह पंद्रह मिनट के कैलकुलेशन के अप्रोचेस के सेशन करना शुरू कर दें आप लोग की क्या आ रहा है एक बार बताओ हाँ एक बार आप लोग बताएं आपकी क्या राय है कि डेली पंद्रह मिनट सिर्फ है ना सिर्फ आपका पंद्रह मिनट चाहिए पंद्रह मिनट कुछ आपको दो अप्रोच एक अप्रोच बता दिया ख़त्म जब धीरे धीरे करेंगे तो ऑटोमेटिक एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा अप्रोचेस का ठीक है इतनी इतनी बात क्लियर है टाइम लगाना आइए क्वेश्चन नंबर एलेवन पे हम लोग मूव करेंगे लेकिन दस क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा कुछ बीस सेकेंड का ब्रेक लेते हैं करना बहुत है इसी तरीके से दस अलग अलग बंडल बनेंगे सौ सवाल करने ना तो थोड़ा सा आप लोगों से इतना कहना है कि यार दस क्वेश्चन कर चुके हैं और बाईस बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या आपको लगता है अगर आप थोड़ा एफर्ट करें तो संख्या तीन हजार के पार जा सकती है बस आपको लाइक कर देना है जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सबको लाइक टच कर देना और अपने सभी दोस्तों को इन्वॉल्व कर लेना नॉर्मल कंपटीशन ही तो है यार नॉर्मल कंपटीशन है कौन सा रॉकेट साइंस का सेशन चल रहा है कॉम्पिटिशन करो एग्रेशन दिखाओ लेके आओ पहला अपना स्थान बस इतनी सी शुद्ध बात है है ना तो थोड़ा सा प्रयास करें और ताबड़तोड़ तरीके से देखो हमारी टीम भी यहाँ पे जुटी हुई है हमारी टीम भी लगी हुई है तो आप सबसे इतनी गुजारिश कि एक बार सभी जगहों पे शेयर वगैरह कर दिया जाए लाइक वाइक और आइए क्वेश्चन नंबर पे मूव करेंगे और फिर से ध्यान रखें वो पहला स्थान आपका इंतजार कर रहा है आप में से किसी एक नाम का और वो एक नाम कौन सा होगा उसके लिए जान लगाने की बारी क्वेश्चन नंबर इलेवन लिख करके आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी स्क्रीन पर बढ़िया जी जबरदस्त जी शानदार ठीक है भाई चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 लिख करके जिस बच्चे ने यहां पे आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आंसर जिस बच्चे ने यहां पे बताया है उस बच्चे का नाम है के कश्यप क्या बात है भाई देख पा रहे हैं आप हर बार एक अलग बच्चा आप सब भी देख पा रहे होंगे कि हर बार एक अलग बच्चा मतलब वही है कि सब कुछ ओपन है बिल्कुल एक ओपन बिल्कुल आपके लिए रखा गया है माहौल जो भी बच्चा यहाँ पे एफर्ट करेगा निश्चित तौर पे पहला स्थान उसका आ, चक, आ सकता है बस अंतर ये है कि आपको जान लगानी पड़ेगी साथियों है ना आपको जान लगानी पड़ेगी चलिए जी आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एले, एलेवन का आंसर के कश्यप ने दिया है <coughs> चलिए तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर ऑप्शन सबसे पहले के कश्यप ने दिया था चेक कर लेते साथियों चालीस परसेंट अब देखो छोटी छोटी बातें हैं बीस परसेंट कितना होता है आप बताओ <coughs> सभी छात्र बताएंगे और देखो जिनसे नहीं हो रहा टाइमली ना वो मुझे सॉल्व करते हुए बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे गुरु जी कर क्या रहे हैं आप बताओ बीस की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है एक बटे तो चालीस क्या होगा आप कहोगे दो बटे तो क्या दो बटे ऐसे लिख सकते हैं सब कुछ एज इट इज है ठीक है जी अब अगर दो बटे ऐसे लिखा है तो मतलब इसी चीज को हम दोबारा एक बार लिख देते हैं तो बेसिकली लिखा गया है बाई बाई फाई फाई बाई बाई टू बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई इलेवन और मल्टीप्लाइड बाई थ्री फाइव टू ऐसे लिखा है अब आप इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करें पांच से पांच कैंसिल ठीक है जी, जी ग्यारह से कैंसिल यहाँ पे कितना आ जाएगा बत्तीस के बराबर अब बत्तीस दुना कितना आएगा चौंसठ के बराबर भाई दो बचा ये बत्तीस बचा बगल में कितना एक्स स्क्वायर चौसठ अब तुम कह देना कि गुरुजी मैंने सुना था प्लस एट माइनस एट होता है आपने बिल्कुल सही सुना था लेकिन क्या माइनस में ऑप्शन है क्या नहीं इनक्वलिटी जब सॉल्व कर रहे होंगे तब हम प्लस एट माइनस एट दोनों कंसिडर करेंगे क्वेश्चन ट्वेल्व लिख करके आंसर करेंगे यहां पर परेशान हो सकते हैं कुछ बच्चे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जज्बा है तो सब कुछ मुमकिन है हाँ मुमकिन से याद आया कि कभी डायलॉग हुआ करता था कि माही है तो मुमकिन है अभी चार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं तो नाम थोड़ा बदल दिए हैं कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है चले जी जबरदस्त देखो हमारी टीम ने यहाँ पे पिन कर दिया है भाई तीन हजार पार करना है दोस्तों शेयर करें ताकत लगाएं आप लोग बहरहाल ताकत आप आंसर देने में लगाएं बीच में जब थोड़ा गैप मिला करें तो आप जरूर शेयर कर दिया करें लेकिन सारा फोकस आपका इस पर होना चाहिए आप सबको देखो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो ध्यान रखें फ्रेशर बच्चे ध्यान दें कहीं पर बेटा लिखा होता है टू कंप्लीट वन बाय थ्री तो इसका मतलब क्या होता है टू प्लस वन बाय थ्री कहो गुरु जी हाँ इसका अर्थ यह हुआ कहीं पे लिखा हो टू कंप्लीट वन बाई थ्री और कहीं पे लिखा हो फाइव कंप्लीट टू बाई थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि हम इसी टू कंप्लीट वन बाई थ्री को लिख सकते हैं फाइव प्लस, वन बाई और प्लस तो ही है, इस टू बाई थ्री बोलो हाँ या ना सही बात अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे नंबर्स आपस में जुड़ेंगे अलग अलग है ना तो वो काम तो हम यहां पर भी कर सकते हैं हम कहते हैं गुरु जी इंटीजर अलग परफॉर्म कर दो फ्रैक्शन अलग परफॉर्म कर दो बस वही काम ये जो इंटीजर और फ्रैक्शन लिखे हैं इनको आप अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप इनको डील करें उसके लिए क्या करना होगा जरा इंटीजर पे फोकस करते हैं ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क यहां यानी सारे नंबर इस साइड आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हमने कहा सात और नौ मिलकर सोलह सोलह में चार घटा दिया तो बारह अभी देखो बारह और पांच जुड़ेगा सत्रह सत्रह में छह घटाओगे तो ग्यारह आएगा ग्यारह में तीन घटाओगे तो वैल्यू आठ आएगी अब आते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट पे सबसे पहले लिखा गया एक बटे अब ध्यान देना ये का ये वन बाई और ये वन

ये जो दो बटे तीन है अगर इसको ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मेरा चार बटे छः इधर हो जाएगा पाँच बटे छः मिलकर कितना होगा नौ बटे छः अब इस नौ बटे छः को अगर आप चाहें तो आप तीन से कैंसिल करके तीन बटे दो लिख सकते हैं यानी एट माइनस वन तो मेरा सेवन हुआ और प्लस इस तीन बटे दो को ये जो हमारा थ्री बाई टू बचा है क्या हम इसको वन प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो सात और एक मिल करके एट कंप्लीट वन बाई टू इस सवाल में अच्छा खासा टाइम आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा है कि नहीं इस क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम दिया होगा आपने से बहुत सारे बच्चों ने कोई दिक्कत नहीं है लड़के जीतना ही तो हमारी फितरत है है ना दो लोग जब लड़ते हैं तो उसमें से कोई हारता नहीं है एक जीतता है दूसरा सीखता है हारता हारने का मतलब वही हुआ कि आपने क्विट कर दिया हारना नहीं लास्ट तक लड़ेंगे हम लोग बढ़िया जी शाबाश <laughs> क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर इस बार सबसे पहले किसने दिया भाई संदीप ने क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर भी बता दिया संदीप ने बताया भाई संदीप जबरदस्त क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर यहाँ पे भी बताया है और कुछ लोग ऑप्शन फोर भी बता रहे हैं भाई ये तो मामला गंभीर लग रहा है मामला यहाँ पे गुरु गंभीर लग रहा है कुछ लोग कह रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगे कोई कह रहा है बाबा बालकनाथ होंगे योगी बालकनाथ तो अब तो चेक करना पड़ेगा है ना चेक करना पड़ेगा कौन होगा तो देखो नौ का क्यूब कितना हो गया आपने कहा ऐसे देखो ना ये नौ का क्यूब अपने मन में करें इसको तो ये पूरी वैल्यू कितनी आती है आपने कहा चार सौ आती है ठीक है जी बगल में कितना लिखा है एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव बराबर कितना इतना तो साथियों आपको पता है ना कि पच्चीस और चार सौ का जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब पच्चीस और सोलह का प्रोडक्ट चार सौ होता है एक्स तो स्क्वायर की वैल्यू सोलह आ गई तो ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है तो बिल्कुल सही जिस बच्चे ने बी बताया था मतलब बी मतलब बालक बालक ना नहीं नहीं बालक था बी था। जिसने बताया था, संदीप ने बताया था बहुत बढ़िया संदीप संदीप ने बताया था भाई बहुत बढ़िया संदीप आपने आंसर दिया बहुत ही जबरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपकी स्क्रीन पर रहा लास्ट <coughs> तक आपको परफॉर्म करना है और चेक करना है कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे रहे हैं कितने क्वेश्चन का आंसर आप रॉन्ग दे रहे हैं सर क्वेश्चन आने से पहले आंसर कैसे आ जा रहा है देखो सभी से अनुरोध है भाई ऑप्शन ना बताएं आप करेक्ट आंसर मार्क करें जैसे क्वेश्चन नंबर नंबर का आंसर ऐसे टाइप करें। ना टाइप करें करें ऑप्शन ना प्लीज अन्यथा हम आपका रिजल्ट कंसीडर नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर का op, जैसे जो लोग ऑप्शन बता रहे हैं उनका आंसर नहीं मान्य होगा जैसे यहां पे सुधाकर गौतम ने कह दिया क्वेश्चन फोर्टीन का आंसर ही नहीं माना जाएगा विकास कपूर ने बताया क्वेश्चन फोर्टीन का आंसर दस तो अगर क्वेश्चन फोर्टीन का आंसर दस है तो ये मान्य होगा है ना <coughs> फिलहाल द ब्लैक मैजिशियन दीवानी जॉर्डन बाबा की क्या बात है भाई देखो तीन हजार यहां पार करने की बात है बच्चे बाईस सौ पे ही अटके हैं पच्चीस सौ नहीं क्रॉस हुआ अब तक चलिए जी कोई बात नहीं आप लोग मेरे बोलने के बावजूद आप ऑप्शन ही लिख रहे हैं डी तो अभी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल आइए अगले सवाल पर जरा ध्यान से देखें अच्छा मुझे बताओ टू पॉइंट लिखा है आप सभी जानते हैं देखो जब हम सॉल्व किया करें तो देखा जरूर करो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ट्वेंटी होता है तो अगर टू लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई इधर दशमलव लगा तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो तो एक बटे चालीस हो जाएगा चलो ये भी बात सही रही तो अगर आप मन में एक बटे चालीस यहां लिखते हैं तो जीरो जीरो कैंसिल हुआ चौसठ में चार से डिवाइड करोगे तो माइनस का सोलह बचेगी वैल्यू बगल में लिखा गया साथियों सोलह का स्क्वायर जो कि 256 होता है वो भी लिख लिया बगल में लिखा गया प, प, 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है 125% परसेंट होता है हमारा 5/4 बगल में लिखा गया x ठीक है इतनी सी बात है ना सिर्फ इतना ही तो है अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ये पूरी नंबर मेरे प्यारे दोस्तों मन में कर सकते हैं 240 आएगी अब 240 में 225 भी घटेगा तो चालीस में 225 पच्चीस घटाओगे तो पंद्रह ही बचेगा ना भाई ये नंबर इस साइड जाके कर लेंगे बगल में कितना लिखा गया? X by 5 by 4. तो जवाब से, हाँ तो से करेक्ट आंसर रहा बिल्कुल रैपिड फायर जिसको कहा जाता है ना वो चल रहा है आपके सामने बस ताबर तोड़ आपको परफॉर्म करना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन खींच के एकदम शाबाश बढ़िया जी बेहतरीन जबरदस्त ठीक है जी सब बश चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे टाइमर भी समाप्त तो हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया संदीप रॉय फिर से ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन मत बताएं आप प्रतीक्षा राजपूत भी ऑप्शन ही बता रही हैं आपसे बोला मैंने ऑप्शन मतलब कि आप नंबर बताएं ना वो कितना है सिर्फ ऑप्शन टाइप करोगे यार तो बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन नंबर अभी बोल दो उसको ऑप्शन टाइप करने के लिख देंगे क्वेश्चन नंबर बीस का आंसर ऑप्शन ई ऐसे लिख देंगे क्या मतलब रहेगा उसको है ना आप आंसर देख के बताए ना कि तो क्वेश्चन बहरहाल कोई बात नहीं आगे बढ़ते देखो अठारह में घटेगा कितना आपने कहा सत्रह अब देखो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे वैल्यू जीरो दो यहाँ पे आ गया एक इस साइड लिखा गया ट्वेंटी यानी चौबीस डिवाइड बाई सो और मल्टीप्लाइड बाई एक्स बराबर एक ऐसा लिखा हुआ है कैसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं इसको अगर हम इसको साथियों आपको पता है छः से कैंसिल करेंगे हम अगर अगर छः से कैंसिल करेंगे यहाँ पे वैल्यू चार आएगी छः से कैंसिल करोगे यहाँ पे सत्रह आ जाएगा चार से कैंसिल मारोगे नीचे पच्चीस आएगा आपको पता है ये ट्वेंटी फाइव और सेवनटीन मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब कितना आने वाला सत्रह पच्चीस पचासी आठ कैरी सत्रह दूरी चौंतीस चौंतीस और आठ मिल के बयालीस चार बहुत नॉर्मल एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन का प्रोसेस है पंद्रह कंप्लीट कर चुके हैं अब एक बहुत छोटा सा सवाल आप सबके लिए नोट करके अब इसको हम पोल में आंसर मार करने वाले हैं अभी इसमें देखते हैं कितना कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर है आपका सवाल आपके सामने लिखा गया कहा गया सिक्सटीन माइनस एट प्लस सेवन और इसकी इसका आंसर क्या होगा ठीक है जी ऑप्शन आपके सामने लिखा गया कहा गया इसका ऑप्शन एक तो होगा पंद्रह दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने लिखा गया वो लिखा गया आ, लिखा गया वन ठीक है जी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और आपको इसका जवाब देना जल्दी से फटाक से इस सवाल का जवाब देंगे गुरु जी क्वेश्चन आते नहीं और आंसर आने लगते हैं राज विश्वकर्मा कह रहे हैं क्वेश्चन आते नहीं आंसर आने लगते हैं तो देखो वो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन बोलते हैं उनकी बात तो अलग है यार है ना तो यहां पे बहुत सारे बच्चे यहां पे बता रहे हैं कि क्या होगा वन होगा सब लोग बता रहे वन होगा लोटा गिलास ने भी बोल दिया वन होगा अच्छा जी अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर ये ऐसा लिखा होता तो सिक्सटीन माइनस एट प्लस सेवन ऐसे लिखा होता तो तब वैल्यू कितनी आती तब वैल्यू अलग आती ना तो ये बात ध्यान रखा करें बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं अगर सोच के देखो अगर यही लाइन यहाँ तक खींच के कर दें तो कुछ अलग रिज़ल्ट आएगा यही लाइन यहां तक कर दें तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा और लेकिन अगर यही लाइन मेरी जितनी अभी तक थी तो कुछ अलग रिजल्ट है है ना तो ये हमारा क्या होता है लाइन ब्रेकेट होता है ध्यान रहे इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बार या फिर लाइन ब्रेकेट या बार ब्रेकेट ऐसा तो हम पहले इसको परफॉर्म करेंगे आठ और सात मिलके पंद्रह होगा तो सोलह माइनस पंद्रह जवाब वन ही आएगा बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन सिक्सटीन से अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं अपना सफर आगे बढ़ाते हैं लाइक वाइक ठोंक दीजिएगा ठीक है जी बहुत देर से संख्या स्थिर से हुई है इसलिए पांच पांच सवाल पे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम बहरहाल अगला पांच सवाल बिल्कुल रैपिड फायर चलने वाला है और बहुत खींच के आप लोग को परफॉर्म करो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टाइम स्टार्ट चलो बस कॉम्पिटिशन टाइमर के साथ होना चाहिए ध्यान रहे कॉम्पिटिशन आपका टाइमर से हो जबरदस्त जी शानदार हम्म hmm. बहुत जबरदस्त शानदार भाई आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छा एक बात बताओ जो फिफ्टी परसेंट लिखा फिफ्टी परसेंट का मतलब क्या होता है आधा होता है ना फिफ्टी परसेंट आधा फीलिंग्स आती है इसके लिए तो क्या लिख सकते हैं इसको इसको हम लिख सकते हैं थर्टी टू पॉइंट टू के बराबर बगल में कितना है 7.8 और इनको क्या करने जोड़ना है तो नॉर्मल इंटीजियर जोड़ो पहले बत्तीस दशमलव आठ और दशमलव दो मिलकर के हो गया एक तो उनतालीस और एक मिलकर के कितना आ गया चालीस ठीक है जी बराबर सात का स्क्वायर उनचास माइनस एक्स सब देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी साथियों वो नौ के बराबर आएगी यानी एक्स की वैल्यू तीन हो गई ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर रहा जो पार्ट आपके मन में हो जाए उसको मन में करें जो आपसे मन में ना हो उस पर पे पेन चलाएं चलो जी अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए ध्यान रखेगा क्या लिखा गया भाई 160 सिक्सटी टेन परसेंट है ना 160 सिक्सटी टेन परसेंट टाइमर समाप्त हो चुका है आप अपना कंप्यूटर इसी को माने इसी को अपना कंप्यूटर माने और कुछ नहीं तो क्या लिखा गया भाई ये नंबर कितनी आ गई आपने कहा सोलह के बराबर माइनस सिक्सटीन लिखा गया बोलो हां यहाँ पे अगर फोकस करें, क्या लिखा गया माइनस का, का स्क्वायर लिखा बारह एक सौ चौवालीसौ मल्टीप्लाइड बाई एक्स अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये पूरी की पूरी नंबर कितनी लिखी है आपने कहा वन एट जीरो सौ चवालीस सब ट्रैक्ट होगा अभी अस्सी में चौवालीस घटाएंगे जवाब कितना आता है छप्पन बगल में कितना लिखा गया सिक्स बाई फाइव ऑफ एक्स क्या सही है अस्सी में चवालीस घटाएंगे तो छप्पन नहीं आएगा छप्पन चवालीस तो सौ होता है छियालीस आएगा है ना कितना आ जाएगा अस्सी चालीस तीस सत्तर छत्तीस आएगा ठीक है जी छत्तीस और बगल में कितना है सिक्स एक्स अपॉन फाइव ठीक है तो जवाब कितने के बराबर छह से कैंसिल छह और छपन से कितना आ गया तीस ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर क्लियर रहा भाई एक आएगा थर्टी करेक्ट है भाई हाँ जी छत्तीस आएगा बिल्कुल सही जो क्वेश्चन नंबर एटीन अब इस सवाल का आंसर पूरे हाथ कांपना चाहिए इतना तेज चिंगारी दिमाग में लगनी चाहिए भाई चलिए जी जबरदस्त हां सौरभ सर की क्लास आज नहीं हुई थी चलिए जी बहुत जबरदस्त शानदार ठीक है समय समाप्त हो रहा है परसों से कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से एक बार 2500 बच्चे की संख्या क्रॉस कराएं आप लोग तो आपको बताते हैं ठीक है परसों यानी कि कौन सा दिन आज, है आज ट्यूजडे है ना वेंसडे थर्सडे तो थर्सडे से बड़ा दिन है मेरी मम्मी फास्ट रहती हैं इस दिन थर्सडे के दिन दो नए सेशन टू न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे ठीक है दो नए सेशन मतलब अपना ही बता रहे हैं मैथ के ही ठीक है दो नए सेशन दो अलग से सेशन लेने वाले हैं और कब से थर्सडे से अब वो सेशन क्या है थोड़ा सा बच्चों की संख्या बढ़ाओ तो रिवील करते हैं ना फिर तब मजा आए चलो जी यहाँ पे आते हैं जरा ध्यान से देखें <coughs> तो भाई 1250 परसेंट लिखा गया देखने में बड़ा घातक सा लग रहा है एक काम करो ना क्या इस 1200 को हम 2500 डिवाइड बाय दो लिख सकते हैं क्या मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज है तो दो जीरो की तलाश करो दो जीरो मिल गए तो बहुत अच्छी बात नहीं मिले तो व्यवस्था करो तो परसेंटेज से अभी यहां पे क्या हुआ कि दो जीरो हमारे टर्मिनेट हुए दो से कैंसिल किया वैल्यू आ गई बत्तीस के बराबर भाई अभी पच्चीस और बत्तीस को मल्टीप्लाई करना है चार इसको दे दिया सौ बचा आठ यानी नंबर कितनी आ गई आठ के बराबर इसमें घटाना कितना भाई आपने कहा थ्री घटा दो चौबीस बचेगा इधर सात में तीन घटाया चार चार सौ चौबीस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर रहा चुटकियों में ठीक है आगे बढ़े हम लोग जयकर कह रहे हैं सेम गुरु जी ऐसे ही किया पक्का ऐसे किया ना हाँ देखो अब गेस आप मतलब गेस आप कर सकते हो आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं है ना जैसे मतलब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को प्रधानमंत्री मान के बैठे हैं हाँ मतलब पार्टीशन से जब से देश आजाद हुआ तब से अपने आप को मान लिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप स्वतंत्र तो हैं ये मान लो हम क्या दिक्कत है हकीकत कुछ अलग होती है मानने तो कुछ भी आदमी मान ले है ना चलो जी कोई बात नहीं आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अपना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ठीक है भाई बहुत ज़बरदस्त शानदार <coughs> देखो तकरीबन तेईस सौ बच्चे हो चुके हैं और पच्चीस सौ की मुझे ज़रूरत है वो अपना जो रिवील करना है मुझे वो पच्चीस सौ पे हम रिवील कर देंगे तीन हज़ार पे तो गाना है मतलब हाँ तीन हज़ार तो गाना है पच्चीस सौ पे वो रिवील करेंगे अब चाहो आप ताकत लगाओगे तो हो जाएगा <coughs> चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत ध्यान से देखा जाए कहा जा रहा है कि वन सिक्सटी क्या यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एक सौ पॉन हंड्रेड और मल्टीप्लाइड बाई बगल में लिखा गया वन सिक्सटी फाइव प्लस यहाँ पे लिखा गया एक काम करते हैं साथियों प्लस क्या अब एक काम करो बहुत प्यार से क्या करो जी पाँच का क्यूब लिखा है ना तो पाँच का क्यूब एक होता है इसमें पैंतालीस घटा दो आप अभी आप पैंतालीस दशमलव आठ घटाओगे ना तो आप तो दशमलव दो लास्ट में लिखोगे बचेगा चार यानी चौदह में पाँच घटाओगे ना ग्यारह में चार घटाओगे सात इतना आ जाएगा बाकी आप यहाँ पर देखें कितना लिखा है तो पाँच से कैंसिल करो ना नंबर कितनी आएगी बीस और पाँच से कैंसिल करेंगे तो पाँच गुड़े तीन और फिर सोलह में पंद्रह घटाओगे फिर पाँच गुड़े तीन पंद्रह तो दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो ना कि x मल्टीप्लाइड बाई थर्टी थ्री और डिवाइड बाई कितना ये भी बड़ा प्यारा फ्रेमिंग है देखो सिंप्लीफिकेशन आपने जितने सवाल किए साथियों आता सबको सब कुछ है आपने कितने टाइम में सवाल सॉल्व किया वो मैटर करता है सारे सवाल आपको आते थे ना लेकिन किसी में कितना सेकंड लगा किसी में कितना सेकंड लगा फिर ऐसे मिला के ओवरऑल पंद्रह क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे उसमें कौन कितना टाइम लगाया उसी पर तो डिपेंड होगा कि उसने डी और अर्थोमेटिक के कितने सवाल सॉल्व किए है ना और हमें इसी पर तो रगड़ना है टिल एग्जाम एग्जाम के पहले तक इसी पर रगड़ना है कि हम वो हों जो कम से कम टाइम में करें आइए साथियों इसमें देखते हैं ग्यारह से कैंसिल करेंगे नंबर तीन आएगी ग्यारह से कैंसिल करेंगे यहां पे सात आएगा और फिर यहां पे आ गया ठीक है अभी तीन से कैंसिल करें तो वैल्यू आती है टू पॉइंट फोर के बराबर तो अब ये बीस जो है ये से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फोर तो चौबीस दुना अड़तालीस हो जाएगा इस सवाल का जवाब भाई ऑप्शन नंबर पांच तो प्यारा सवाल था जबरदस्त फ्रेमिंग थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे मूव कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की भावना बुझनी नहीं चाहिए जो आग आपके दिल में लगी है फिर से ध्यान रखें जो आग अभी आपके दिल में लगी है यह आग बुझनी नहीं चाहिए आपकी टिल सिलेक्शन सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है टाइमर स्टार्ट होता साथियों <coughs> जबरदस्त रोशन कह रहे कि यह गुरुजी टाइम से नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्त <coughs> बहुत अच्छे बेहतरीन जबरदस्त <coughs> ठीक है ठीक है भाई तो क्या लिखा गया 225 परसेंट बगल में कितना भाई छत्तीस लिखा है जितना पार्ट आप मन में कर सके निश्चित तौर पे आपके लिए वो सबसे हितकर साबित होगा क्या ये पैंसठ दूना एक दिख रहा है गुरु जी कैसे परसेंटेज डबल जीरो दोनों दुश्मन हैं एकदम खतरनाक वाले आपका जो कट्टर एकदम पड़ोसी है ना जो आपसे कॉम्पीट करता है ऐसा वो आपका क्लासमेट जो बचपन से लेके आज तक आपसे कॉम्पीट करता है समझ लो वही परसेंटेज और डबल जूर जू है, जीरो हैं दोनों एक दूसरे को मतलब फूटी आंखों नहीं सुहाते बस मिल भर जाए तुरंत वही समझ लो न्यूट्रॉन और अपना वो अरे यूरेनियम 235 में जब न्यूट्रॉन भिड़ता था तो क्या होता था क्रिप्टन और बेरियम फूटते थे नहीं थे अरे याद नहीं वो अपनी नाइन्टी यूरेनियम दो और इसमें एक न्यूट्रॉन भिड़ा तो फिर क्या बेरियम और क्रिप्टन में फूटते थे और उसके बाद फिर तीन न्यूट्रॉन और रिलीज हो जाते थे और वो वो न्यूट्रॉन जो थे वो बचे हुए यूरेनियम से रिएक्ट करते थे पूरी एकदम नाभिकीय विखंडन परमाणु बम बन जाता था वही हाल यहाँ पे यहाँ परसेंटेज डबल जीरो कैंसिल होगा कितना बच्चा एक सौ तीस अभी इस पर आते है क्या लिखा गया छत्तीस और यहाँ पे देखते हैं दो सौ पच्चीस परसेंट का मतलब क्या है दो सौ का डबल कितना होता है दो सौ पच्चीस का दो सौ पच्चीस परसेंट लिखा एक काम करते हैं ऐसे नहीं मजा आएगा एक काम करो जरा ये तो हम आपको एग्जाम्पल में देते हैं ना इसको 200 परसेंट और 25 परसेंट अलग अलग कर लेते हैं लेकिन मन में करना लिखोगे तो फिर तो व्यर्थ कर दिया आपने फिर तो मजा ही खराब कर दिया अगर आप मेरी तरह लिख रहे हैं तो आपने तो खत्म कर दिया पूरा क्वेश्चन छत्तीस दुना कितना होगा बहत्तर और छत्तीस और इधर कितना ट्वेंटी फाइव यानी वन बाई छत्तीस का एक चौथाई कितना होगा नाइन तो ये पूरी नंबर कितनी आ गई एट्टी तो कुल मिलाकर के हमारा जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी वन थर्टी माइनस एट्टी वन कहो हाँ तो यहाँ दस में एक घटाओगे नौ और बचेगा बारह बारह में आठ घटाओगे तो विखंडन हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन करके दो रिएक्शन होती है ना हिंदी में बोलते नाभिकीय संलयन और भाई विखंड हो चुका है ताली तो होनी चाहिए एक बार बीस कंप्लीट कर दिया आपने जबरदस्त अंदाज में तेईस सौ बच्चे अभी तक हमारे साथ जुटे हुए हैं और बाईस किया है तो लाइक तो बेहतरीन चल रहा है है ठीक तो आप सभी से गुजारिश एक बार कमेंट बॉक्स में आग, एक बार बरसात दिया जाए एक बार दो फुट पानी पी के एक बार मस्त एकदम नए अंदाज में फिर एकदम टकाटक तक तरीके से जुटते हैं फिर से अभी बी सी किया वन फिफ्थ सेशन किया आपने एक बटे पांचवा हिस्सा सेशन की जो गर्मी है सेशन की जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखना दोस्तों ये आप ही का काम है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे मूव किया जाए जबरदस्त क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपकी स्क्रीन पे उड़ाया जाए <coughs> बढ़िया जी बढ़िया साबाश एक दिन एक्स को कहूंगा बाद में आना अभी लंच टाइम है ये बड़ा अच्छा कहा वैसे आप ये देख के मतलब याद आ गई यार किसी की बताया था ना तुम लोग कहानी एक मेरा दोस्त था जब हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो हम लोग साइकिल जाते थे कुछ पैदल आते थे जो नज़दीक थे हम लोग साइकिल लेके जाते थे तो भाई अपना ग्यारहवीं क्लास में था वो बोलेरो लेके आता था है ना उसके भी सपने कुछ इसी प्रकार के होते थे दिक्कत उसके साथ ही हुई कि खाली वो सपने ही देखता रहा है ना ग्यारहवीं बारहवीं में बोलेरो ले आता था फिर वो कॉलेज टाइम आया और कॉलेज टाइम में हम लोग साइकिल से जा रहे हैं वो बोलेरो ले आ रहा है तो बोलेरो के एक अपना अलग रुतबा था उस टाइम पर है तो वो भी ऐसे बैठ के सपने देखा करता था और लोग मतलब ऐसा कॉलेज में लोगों को सुनाता कि मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया तो दिक्कत उसके साथ यही हो कि वही सपने ही देखता रहा वो फिर आप पूछो गुरु अब क्या कर रहा है तो अब उसी बुलेरो से वो सवारी ढो रहा है मतलब हाँ प्रयागराज जंक्शन से और उधर नैनी सेंट्रल जेल सवारी ढोता है वहीं जंक्शन के बाहर बुलैरों लगा करके हाँ नैनी नैनी नई नैनी 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 ऐसे चलता है तो सपने देखने मात्र से काम नहीं बनता देखो सपने अच्छी बात है लेकिन जमीनी हकीकत में उसको इंप्लीमेंट भी तो करो अब आइए साथियों सवाल पे आगे बढ़ते हैं चार गुड़े चार कितना होगा आपने कहा चार गुड़े चार सोलह एक कैरी तीन बारह और एक मिलकर के तेरह हो गया बगल में लिखा गया नाइन्टी सिक्स ठीक है जी बगल में लिखा गया सिक्सटी वन तो इस प्रकार से ये नंबर हुई चालीस और इकसठ जोड़ेंगे तो वन जीरो वन आएगा इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं छह का स्क्वायर साथियों हो छत्तीस होगा और इसका स्क्वायर रूट जो होगा भाई पच्चीस है तो पाँच आएगा बीस को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिनके बीस का गैप वन हो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तो बीस को ऐसा किस में ब्रेक कर सकते हैं चार पंचे बीस तो चार ले लो उसमें से ठीक है प्लस ग्यारह का स्क्वायर होता है वन ट्वेंटी वन अभी अगर इनको ऐड करेंगे तो छत्तीस और पैंतालीस तीस चालीस सत्तर छह पांच ग्यारह एटी वन हुआ एटी वन और वन ट्वेंटी बारह जीरो मतलब टू करेक्ट रहा। <coughs> बढ़िया सवाल रहा भाई आइए जी अगले सवाल पर क्वेश्चन कर सवाल, सवाल का अगर आप थोड़ा मन में करने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आपकी गुरु जी सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो है पांचवी नहीं क्या था यार वो अरे वो यार वो हेरा फेरी मूवी में हेरा फेरी मूवी में परेश रावल क्या बोला था किसी ने पूछा कितना पढ़े हो तो बड़ा बढ़िया शब्द बोला था उन्होंने कि दो घड़ी ऐसा कुछ शब्द बोला था ना उन्हें दो घड़ी कि मतलब मैं इधर से वहाँ तक गया स्कूल तक और अगले हाफ़ में हम वापस आ गए क्या था वो जरा बताना मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा है अरे वो मूवी थी ना वो हेरा फेरी पहली वाली उसमें परेश रावल से दूसरी फेल नहीं ये शब्द ने बहुत बढ़िया था दोपहर तक वो डायलॉग याद करो बड़ा बढ़िया शब्द उन्होंने बोला था चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं देखो एक बात ध्यान रखिए साथियों हैं अगर टू तो पॉइंट थ्री टू नीचे आएगा अब आप सबको पता है टू तो पॉइंट थ्री टू नीचे आएगा तो देखो चार सौ चौंसठ का तो ये हाफ लिखा पूरा पूरा है ना फोर सिक्सटी फोर का तो ये पूरा हाफ लिखा दो सौ बत्तीस यानी अगर इसको पूरा कैंसिल करेंगे हम लोग तो नंबर तो हमारी दो आएगी लेकिन हम देख पा रहे हैं कि नीचे आएगा ये नंबर चूंकि ब्रेकेट है ना तो पूरा नीचे आएगा तो चूंकि ब्रेकेट है तो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएगा तो कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरी नंबर होगी दो सौ और डिवाइड बाई नीचे बचा हुआ है सोलह अब मुझे इतना बताना अगर हम इसको दो से कैंसिल मार दें तो यहाँ पे सौ बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा आठ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी जानते हैं वन बाई एट होती है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कि साढ़े बारह सौ का आठवां हिस्सा होता है यानी सौ को आठ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव के बराबर ट्वेल्व पॉइंट फाइव के बराबर प्लस यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू आएगी फोर पॉइंट फाइव के बराबर जवाब आएगा सत्रह ऑप्शन नंबर फोर ठीक रहा चलो जी अगले सवाल बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों इसको भी उड़ाया जाए नेक्स्ट पे आ चुके हम लोग सुबह घर वाले छोड़ने गए दोपहर में पूरा स्कूल मुझे छोड़ने आया हां लेकिन वो एक शब्द बहुत बढ़िया कुछ बोला था उन्होंने चलो जी <coughs> अरे सोशल मीडिया एक जमाना है फेसबुक वेसबुक में सब कुछ लिखा रहता है भाई मतलब गूगल कर लिया करो यार हाँ तुम अपने गुरु जी कितना मतलब हल्के में ले लियो तुम बताओ गूगल कर लो यार शांतनु शुक्ला के बारे में सब बता पता चल जाएगा हमारा तो शादी ब्याह नहीं होता तब भी शांतनु शुक्ला वाइफ भी आठ सात दिखाता था हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी बच्चों का शांतनु शुक्ला सर सजेशन भी खट से आता था शांतनु शुक्ला गर्लफ्रेंड शांतनु शुक्ला वाइफ शांतनु शुक्ला सैलरी शांतनु शुक्ला कार शांतनु शुक्ला हाउस हाँ और तुम गलती से उस पर क्लिक मार दिए सांतु शुक्ला वाई तो सात आठ दिखा देता था तो ये गूगल की भौकाल है चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे ज़रा देखें इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इस 780 को हम एक काम कर सकते हैं ना वैसा 800 परसेंट और इधर 20 परसेंट ऐसा कर सकते है ना होगा क्या आप कहेंगे कि अगर हम 145 का 800 परसेंट ले तो 145 का आठ गुना करेंगे आठ पंचे चालीस चार करी चौदह अठे एक और चार मिलकर के 116 सौ माइनस बीस परसेंट एक बटे पाँच करेंगे वैल्यू 29 आएगी इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आ गई ग्यारह के बराबर कहो हाँ इस साइड लिखा गया कितना भाई बारह ठीक है और माइनस फाइव लिखा गया अब मुझे लगता है कि इसके बाद एक भी स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं आप सीधा आंसर बी ऑप्शन तीन मार करेंगे दिख रहा है आप सबको भाई इसके बाद क्या करोगे ग्यारह इकतीस इधर आएगा बारह में ग्यारह घटाओगे सौ बचेगा सौ को पांच से डिवाइड किया वैल्यू कितने के बराबर बीस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये भौकाल आपकी रुकनी नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भौकाल मेंटेन करके रखो रख एकदम बढ़िया चलो जी बढ़िया और पूछ लो क्वालिफिकेशन <laughs> है मतलब यार ये कौन सी बात होती है तुम <laughs> मतलब पढ़ने आए हमार हो हमारे पूरा शादी ब्याह गई हमारे क्वालिफिकेशन वगैरह मत पूछो <laughs> समझे आगे बढ़ते हम लोग यहां पे आता है ध्यान से देखें दोस्तों तो ये एक्स इस साइड आएगा ये पूरी नंबर इधर आएगी है ना एक्स इधर आएगा अब 2000 में घटाओगे अच्छा कितने लोग जानते हैं मतलब रियल वाला मतलब पढ़ाई मेरी जानते हो ना कहां तक है नहीं पता फेसबुक वगैरह लिखा है हाँ बी टेक देन एम टेक इतना है हाँ, नहीं बता दे नहीं तुमको लगे मतलब क्या है गुरु जी चलो आगे बढ़ते हैं अभी ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पे 786 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से तो 2000 में सात घटाओगे तो छियासी दिख रहा है ना ये पूरा छियासी तो नंबर 14 आ जाएगी और फिर यहाँ बचेगा 19 में सात घटाओगे तो 12 आ जाएगा इतना ओके है ठीक है जी या इससे भी बेहतर विकल्प ये है ये नंबर कितनी आएगी 41 वन डिवाइड बाई एट अभी अगर हम इसको 8 से कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 8 दूनीस 16 और आठ छ अड़तालीस छब्बीस और 41 को मल्टीप्लाई करना 26 छब्बीस एक कम छब्बीस दो कैरी छब्बीस गुड़े चार एक और दो जोड़ोगे तो एक आएगा और इसमें हमें सेवन एट सिक्स ऐड करना है और जो कुछ भी ऐड होकर आए उसको दो में माइनस कर देना है है ना जो कुछ भी ऐड होकर के आए उसको दो हज़ार में माइनस कर देना तो हम एक काम करते हैं ना इसको पूरा ऐड करके हम दो हज़ार के नीचे ही लिखते हैं तो छः और छः मिल कर के बारह एक कैरी आठ एक नौ नौ छः मिल के हो गया पंद्रह ठीक है जी और पंद्रह अगर इसमें घटाओगे तो अड़तालीस कहाँ दिख रहा है और ऑप्शन पाँच पे दिख रहा है छोड़ो सब फोर्टी एट कहाँ दिख रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे आते हैं चलो जी ठीक है भाई चलो नहीं नहीं मैंने इंजीनियरिंग वाली नौकरी भी की है ऐसा नहीं है हाँ मैंने इंजीनियरिंग वाली नौकरी किया है हाँ जो मेडिकल डिवाइसेस होती है ना वो हमने उसकी टेस्टिंग की है जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं मशीन वशीन होती है ना चेकअप मेडिकल मेडिकल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगती हैं तो उसमें मैंने काम किया है चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखा जाए इस वाले पे फोकस करो इतने पार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप कहेंगे ये वैल्यू वन बाई सेवन है तो अगर ये वन बाई सेवन है तो चार सौ भी इसको सात से डिवाइड करोगे वैल्यू साठ आएगी और मुझे लगता है कि ये आप सब लोग भी देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है वन और डिवाइड बाई अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आप एक काम करो ना आप इसको इधर ही सिंप्लीफाई करो तो पाँच दिन आठ एक नौ तीन से कैंसिल हो सकता है क्या पाँच तीन थी आठ एक नौ चार दो छः तो तीन से ही कैंसिल मारते हैं तो तीन पच्चीस पंद्रह और तीन एक कम तीन तीन से कैंसिल करेंगे तो तीन छः अठारह तीन अठे चौबीस सत्रह से कैंसिल करेंगे तीन आएगा नीचे चार आएगा तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई फोर हुआ और चार से अगर कैंसिल करते हैं इसको तो वैल्यू आएगी पंद्रह और पंद्रह गुड़े तीन कितना आएगा पैंतालीस ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर रहा क्लियर ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पे मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपकी स्क्रीन पे टाइमर स्टार्ट साफ बश जबरदस्त एनर्जी <clears throat> में कमी नहीं आनी चाहिए बस फिर से कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप लोग और रैपिड फायर टाइप में बिल्कुल लेके चलना बीस सेकंड आपके लिए सिर्फ ट्वेंटी सेकंड्स अभी पचपन परसेंट निकालना है तो उसको अलग से कर सकते हैं ना है ना पचपन सेकंड अगर पचपन परसेंट निकालना है आपको ध्यान से देखें साथियों, 55 परसेंट निकालना है तो आप इसको अलग कर सकते हो क्या कि भाई 50 परसेंट और प्लस 5 परसेंट ठीक है 50 परसेंट प्लस 5 परसेंट ऐसा कर सकते हो 480 का 50 परसेंट आधा होगा 240 और प्लस अभी 240 है तो 24 लिख लो ऐड कर दो कितना आ गया चौबीस दो 26 दो सौ चौंसठ आएगी वैल्यू तो ये नंबर आ गई 264 के बराबर प्लस इधर देखते हैं तो तीन गुड़े आठ चौबीस दो करिए तीन पच्चीस पंद्रह दो सत्रह सत्रह सौ चालीस आ गया बगल में थ्री नाइन्टी सेवन लिखा हुआ है और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट पहले निकालना है अभी ध्यान से देखें साथियों यहाँ पर हम कर सकते हैं सात सात और चार मिल करके ग्यारह ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है नहीं कुछ गड़बड़ किया ना नहीं सही है है ना तो सात और चार मिलके ग्यारह ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या ऑप्शन बी सेवन आ रहा है ओके चेक करते हैं तो सात और चार मिलकर के ग्यारह होगा और फिर एक कैरी आएगा तो नौ एक दस दस चार चौदह चौदह और छह मिल करके बीस दो कैरी दो दो चार सत्रह चार इक्कीस इक्कीस तीन मिल करके चौबीस तो लो जी आपका आंसर आ चुका है इधर एक्स स्क्वायर लिखा गया साथियों अभी क्या करेंगे हम लोग ये वैल्यू जो आएगी ये फोर्टी नाइन आएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर रहा बढ़िया जी बेहतरीन नेक्स्ट पे आते है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन टाइम स्टार्ट होता है बहुत अच्छे भाई शाबाश ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे मूव कर चुके हैं हम लोग रफ्तार के साथ आंसर करना ये बात ध्यान रखें दोस्तों अभी थकना मना है अभी तो बहुत नॉर्मल अब देखो यहाँ पे ये एक अलग टाइप का पैटर्न है जहाँ पे हमें आ, पावर कंपैरिजन वाले सवाल ये भी एक टाइप का फ्रेम होता है ध्यान से देखें जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा फाइव टू पावर और ब्रेकेट के बाहर लिखा साथी वन प्लस एक्स ऐसा लिख लिया मैंने वन प्लस एक्स बराबर छः सौ पच्चीस क्या होता है पाँच की पावर चार लिख लिया पाँच की पावर चार डिवाइड बाई एक सौ पच्चीस क्या होता है पाँच की पावर तीन लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई अभी देखो जरा थ्री वन टू फाइव लिखा हुआ है तो आपको पता ना छः सौ पच्चीस मल्टीप्लाइड बाई पाँच लिखा है तो अगर छः सौ पच्चीस पाँच की पावर चार है तो इकतीस पच्चीस पाँच की पावर पाँच होगा और डिवाइड बाई फिर हम लिखेंगे पाँच की पावर तीन अभी देखो सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये कि बेस आप बराबर कर लो कभी भी अगर आपके पावर कंपैरिजन वाले सवाल आए तो सबसे पहले आप बेस बराबर करें बेस बराबर हो चुका है अभी पावर पे फोकस करेंगे क्या लिखा गया वन प्लस एक्स लिखा गया बराबर सबसे पहले चार है डिवाइड है तो माइनस लगाओ तीन मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाओ यहाँ पे आएगा पाँच डिवाइड है तो माइनस लगाओ तीन अच्छा ऐसा क्यों तो ध्यान रहे जब भी कभी सेम बेस पर दो नंबर्स हमारी मल्टीप्लाई होती हैं नोट करके अलग से लिख लेना जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं तो वहाँ पर साथियों पावर हमारी ऐड होती है ठीक है और सेम बेस पर अगर नंबर हमारी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर पावर हमारी क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं इतना हम लोग को पता है इसलिए हमने जहाँ डिवाइड था वहाँ माइनस और जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ प्लस लगाया ठीक है अब इसके आगे बढ़ते हैं <coughs> तो अभी कितना आ जाएगा पांच और चार मिलके नौ हुआ तीन और तीन मिलके छ हुआ नौ में घटा दिया तो वैल्यू आई तीन अभी x की वैल्यू वन प्लस एक्स अगर तीन है तो x की वैल्यू कितनी आएगी तीन माइनस वन जवाब आएगा साथियों दो के बराबर ऑप्शन पांच करेक्ट आंसर रहा हर प्रकार के सवाल ये बात ध्यान रखें हर प्रकार के सवाल हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे बेटा अगर आपको डायरेक्ट फिर आप वही करोगे कि मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे फिर वही पावर कंपैरिजन क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो मेरा पावर में है ना अगर क्वेश्चन मार्क पावर में है तो हमारे हमारा जो वो होता है अप्रोच वो ही होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया ठीक है चलो जी एस फॉर सक्सेस एस फॉर सर एस फॉर शांतनु क्या बात है भाई बहुत बहुत शुक्रिया आइए जी आगे देखते हैं हम लोग तो अभी इस पे फोकस करें तो क्या लिखा गया आपने कहा तीन सौ बावन मल्टीप्लाइड बाई बगल में कितना लिखा गया आपने कहा दो सौ बावन डिवाइड बाई अभी ब्रेकेट पूरा नीचे आएगा ध्यान रहे छः सौ सोलह मल्टीप्लाइड बाई छत्तीस लिखा गया और बगल में लिखा है दोस्तों एक बात ध्यान रखें अभी ऑफ है तो ये भी पूरा एक तरीके से ब्रेकेट ही है हमें पता डेढ़ सौ परसेंट का मतलब तीन बटे दो होता है दो से कैंसिल करेंगे इक्कीस आएगा इक्कीस गुड़े तीन तिरसठ तो मल्टीप्लाइड बाई साथियों तिरसठ ही लिखा हुआ है है ना और यही हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है है ना यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है क्या है ये सवाल मेरा यूनिट डिजिट से सॉल्व हो सकता है क्या आप बताएं दो दूना चार चार गुणा तीन बारह दो आएगा छः छत्तीस छः से नहीं यूनिट डिजिट तो नहीं सॉल्व होगा तो हम एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे छत्तीस से पहले इसको कैंसिल कर देते हैं कितना आएगा सेवन आएगा फिर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम नौ से कैंसिल करें मान लीजिए यहाँ पर सात आता है नौ से इसको कैंसिल करते हैं तो नौ सत तिरसठ नौ छः चौवन और छिहत्तर बच जाएगा तो नौ से तो कटेगा नहीं है ठीक है जी ये नौ से तो कटेगा नहीं है ना नौ से तो कटेगा नहीं खाली एक ही चीज़ मैंने देखा है ये वाला पार्ट अच्छा ये सात से कैंसिल होगा क्या सात अठे छप्पन और फिर सात अठे छप्पन बिल्कुल तो सात से कैंसिल होगा सात अट्ठे छप्पन सात अट्ठे छप्पन और अभी हम ग्यारह से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे नंबर आठ आएगी और यहाँ पे नंबर आएगी बत्तीस के बराबर तो आठ से कैंसिल करेंगे ये नंबर भी चार आएगा तो इधर चार बचा है और इधर तिरसठ बचा है फोर मल्टीप्लाइड बाई सी थ्री कितना होता है टाइम थोड़ा सा, थोड़ा सा, मतलब, कंज्यूमिंग सवाल था इसमें कोई दो राय नहीं है ना अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और रफ्तार के साथ परफॉर्म बहुत ही प्यारी फ्रेमिंग है अगर हम बोर्ड मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही जबरदस्त फ्रेमिंग बीस सेकेंड में आंसर कर सकते हैं आप कोशिश करें आप सभी एक बार ठीक <coughs> है दोस्तों आप बीस सेकेंड में आंसर कर सकते हो गमला मल नंबर कह रहे रिकॉर्डेड अच्छा जी <coughs> इतनी बातचीत मतलब ऐसे ही हो गई मुझे लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा में काफी समय बिताए हैं आप है ना आपकी बात तो लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी समय बिताएँ देश के भावी प्रधानमंत्री के साथ जो सपनों में लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं लगता लग रहा है कि उनके साथ उठना बैठना कुछ ज़्यादा ही हो गया आपका है ना आइए जी आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखें होता क्या है कि ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको है ना ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है वन बाई टू ऑफ एट है ना ऑफ का मतलब हमेशा ध्यान रखें ऑफ का मतलब फेविकोल होता है यानी वन बाई टू ऑफ एट ये बिल्कुल चिपका हुआ है तो आठ बटे दो कितना आएगा चार अभी बावन में चार घटा दो बावन में चार से डिवाइड कर दो तो नंबर तेरह आ जाएगी बाकी इधर देख लेते हैं हम लोग तो प्लस साइन के साथ लिखा गया थ्री बाय फाइव और मल्टीप्लाइट में तीन एक कम तीन तीन और दो मिलकर के पांच बटे तीन और बराबर साथियों एक्स लिखा गया अब आप देख सकते हैं कि इस साइड जो लिखा है ये पूरा पोर्शन तो ये तो वन आएगा तेरह और एक मिलकर के चौदह हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर वन साथियों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया डन रहा इतना सबका हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी रैपिड फायर लेकर के चल रहे हैं आपको बस ताबड़तोड़ आंसर करना यह बात दिमाग में रखिएगा बस जो बच्चे नए जुड़ते जाए सेशन पे सेशन को लाइक शेयर ये सब कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों ठीक है भाई बढ़िया क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन आंसर फोर्टीन बताया है भाई बच्चों ने फोर्टीन बताया जा रहा है फोर्टीन का मतलब अच्छा ट्वेंटी नाइन का आंसर आपने बताया था अभी चेक करते हैं साथियों यहाँ पे तो एक बात बताओ जितना पार्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं जितने की आज़ादी है वो कर ले जाएं जैसे 40 में आप 30 घटाएंगे 40 में 30 घटाओगे और बा फिर 40 में 10 घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी और फिर ये काम भी कर सकते हैं चालीस में दस घटा दिया वैल्यू तीस तीस में पाँच जोड़ दिया वैल्यू कितनी आ गई पैंतीस तो पूरा ये पार्ट लिख लें अब इसके बाद हमें क्या करना है डिवाइड बाई नहीं इसके बाद क्या पैंतीस माइनस नाइन और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे चार दून आठ एक नौ तो नौ बटे दो को हम लिख सकते हैं दो बटे नौ और यही हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रही साथियों कैंसिल हुआ पैंतीस में दो घटाओगे जवाब तैंतीस ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर अब सवाल आपको नॉर्मल लग रहे होंगे अगर सवाल नॉर्मल है तो कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ठीक है ना पहला स्थान लाने की कोशिश करो बस और कुछ नहीं बिल्कुल कितना नॉर्मल सवाल है भाई अभी वो बच्चे टाइप करेंगे डब्ल्यू पी जो बच्चे बिना पेन के सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को फाइव बाई फोर कर दिया भाई है ना मन में करो कैलकुलेट एक बार देखो हो जाएगा फाइव बाई फोर करो छत्तीस बड़े चार नौ पच्चीस पैंतालीस इधर हो गया और उधर कर दिया अड़तालीस फोर फिर ग्यारह अड़तालीस और ग्यारह मिलके उनसठ है ना उनसठ और पैंतालीस जोड़ना है तो कितनी आएगी वैल्यू एक सौ चवालीस ऑप्शन नंबर ए है ना बिना पेन के किया होगा बहुत सारे बच्चों ने क्या बगैर पेन के किया आपने कैसे वन ट्वेंटी फाइव परसेंट साथियों पांच बटे चार होता है इधर हमने कहा नौ नौ पचे पैंतालीस आ गई वैल्यू अभी दो सौ पच्चीस परसेंट को हम दो सौ परसेंट और पच्चीस परसेंट कर सकते हैं लेकिन मन में है ना इसको हम साथियों मन में करेंगे तब मजा आएगा लिख के करेंगे तो बेकार हो जाएगा चवालीस का डबल कितना आता है अड़तालीस और चवालीस का एक चौथाई कितना होता है ग्यारह तो ये पूरी नंबर कितनी आ गई आपने कहा फिफ्टी नाइन के बराबर और इन दोनों को ऐड करो भाई तो कितना आएगा पचास चालीस नब्बे नौ पाँच चौदह पचास चालीस कितना आ गया दोस्तों पचास चालीस हमारा नब्बे हुआ और नौ पाँच चौदह है पचास है? क्या हो रहा है ये नौ पच्चीस पैंतालीस नौ पाँच चौदह इकतीस माइनस है एक सेकेंड सही है इतना अरे माफ करेगा साथियों ही दूना ओके चौवालीस दो अट्ठासी वही सोच रहे कहीं तो मिस्टेक हो रही है तो अभी कितना आएगा आठ एक नौ आठ और एक मिलकर नौ अभी सही है ये तो नौ पाँच चौदह नौ चार तेरह एक मिलकर मन में किया देखो तो हो गया है ना जब मन में कैलकुलेट किया तब तो आ गया था इसका आंसर है ना चलिए जो कोई बात नहीं अगले सवाल पर बढ़ते हैं ये भी बेहद नॉर्मल सवाल है साथियों बहुत ही नॉर्मल सवाल है आप सब बहुत तेजी के साथ परफॉर्म करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है बत्तीसवें सवाल पे आ चुके हैं देखते हैं कितने सेकंड में आप दस सवाल रोंदते हैं ठीक है जी रोंदना है अब सवाल खाली चलिए जी तो डिवाइड बाय अठारह लिखा है है भाई ध्यान रखिएगा डिवाइड बाय साथियों अठारह लिखा हुआ है अगर हम इसको पहला काम 18 से डिवाइड करके लिखते हैं तो यहाँ पे देखो 103 है आपको पता है अठारह पंचय कितना होता है नब्बे तो 103 में नब्बे घटाओगे तो वैल्यू आएगी 13 यानी 136 सौ छत्तीस अठारह सत्तर कितना होता है एक सौ छब्बीस होता है फिर दस आएगा अठारह छक्के एक सौ आठ और देन मल्टीप्लाइड बाई फोर लिखा इसी का स्क्वायर रूट लेना है भैया पाँच सौ छिहत्तर से चौबीस आया बगल में आया दो तो चौबीस दुना हो गया अड़तालीस ऑप्शन नंबर पाँच सबको दिख रहा है ऑप्शन पाँच बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर थर्टी बिल्कुल यही रफ्तार चाहिए भाई शाबाश ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर पे कर चुके है। देखो, सिर्फ परेशान करने के लिए लिखा गया है यह बात दिमाग में रखिएगा अभी कितने छोटे छोटे सवाल मिल रहे हैं आपको डेसिमल सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए लिखा गया डेसिमल गायब होगा कैसे देखो नॉर्मली ऐड करो चार चार आठ बारह बारह आठ बीस हासिल लगा दो तो पांच और दो मिलकर सात सात और दो नौ नौ और तीन मिलकर के बारह हासिल लगा एक ठीक है जी अभी पांच और एक मिलकर छत तेरह तेरह और पांच मिलकर अठारह हासिल लगा एक तो दो एक तीन तीन तीन, तीन, तीन छो मिल करके आठ और दशमलव एक अंक के बाद तो एट एट टू साथियों ऑप्शन टू करेक्ट आंसर रहा हमने पूरा इसलिए सॉल्व किया क्योंकि नीचे नन ऑफ दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपकी स्क्रीन पर रहा भाई बढ़िया जल्दी शाबाश बहुत बेहतरीन भाई जबरदस्त ठीक है ठीक है ठीक है अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने ध्यान रखिएगा भाई कितना पार्ट आप मन में कर सकते हैं यही इस बात को डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी इस सवालों का आंसर कर रहे हैं अभी देखो बयासी का पाँच गुना करना है पाँच दूना दस पाँच अठे चालीस और एक मिलकर इकतालीस इधर देखते हैं इस परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल इकतीस गुड़े छः कितना छः एक कम छः और छः गुड़े तीन कितना आता है अट्ठारह यानी हमें घटाना पड़ेगा दस में छः घटाया चार दस में आठ घटाया दो तीन में एक घटाया दो दो इधर बेटा कितना लिखा गया चार ऑफ एक्स यानी फोर तो साथियों फोर की वैल्यू अगर टू यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अगर हम एक्स की वैल्यू देखेंगे तो कहेंगे चार पंचे बीस और चार छंद चौबीस तो छप्पन इस सवाल का जवाब हो रहा है ना ताबड़तोड़ तरीके से बस ये प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको आता तो सब कुछ है ही है बस यही इसी प्रैक्टिस का तो कंपटीशन इसी को तो कहते हैं अच्छा कर रहे हो आप लोग साबाश ठीक है ठीक है ठीक है भाई चलिए समय समाप्त हो चुका है अब साथियों इस पर फोकस करते हैं सात से पहले डिवाइड करेंगे है ना बात सिर्फ कंपटीशन के सात से डिवाइड करोगे कितना आएगा सात दूनी चौदह सैंतीस हुआ सात पचे पैंतीस इक्कीस सात गुड़े तीन ठीक है अभी मल्टीप्लाई तीन गुड़े तीन नौ पच्चीस गुड़े तीन कितना आता है पचहत्तर के बराबर इसमें घटाना है क्या घटाएंगे सोलह से पहले डिवाइड कर लो सोलह पंचे अस्सी और फिर सोलह गुड़े चार चौंसठ ये पार्ट खत्म हुआ ये डिवाइड वाला बगल में लिखा गया फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन अब जरा ध्यान से देखें आप लोग नौ से कैंसिल हुआ छः यानी छः पंच से तीस यानी इसमें तीन घटेगा तो यहाँ पे आ गया ट्वेंटी नाइन इधर लिखा गया सेवन बगल में लिखा गया एक्स क्यूब अभी एक्स क्यूब बराबर सेवन ट्वेंटी नाइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी नौ के बराबर ऑप्शन वन करेक्ट आंसर रहा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाना आपको हाँ कोई मास्टर आपको बित्ता सनाप के नंबर नहीं देगा गांधी जी के ऊपर तुमने तीन पन्ना का लेख लिखा है तो आपको पंद्रह नंबर मिलेंगे तुमने दो पन्ना का लिखा तुमको दस नंबर मिलेंगे यहाँ इस टाइप नहीं यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर मार करना है वो कॉलेज वाली खुमारी थोड़ा देर में जाती है आदत पड़ी होती ना माना रमेश की पत्नी की आयु इक्कीस वर्ष आदत पड़ी होती लिखने की आइए आगे बढ़ते हैं <coughs> ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साथियों तो डेली शाम आठ बजे आप सब लोग को जुड़ा जुड़ना होता है है ना डेली अपन मॉक करते हैं आज एक स्पेशल सेशन लगा दिया बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी आइए जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो कितना लिखा गया इन सबको तो मल्टीप्लाई करना है अभी डिवाइड कितने से करना ये इसका स्क्वायर रूट चूंकि 50 से ज़्यादा है और कितना तो आपने कहा 16 यानी चार ज़्यादा तो डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 54 तो बेसिकली है क्या कि 864 को इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने 54 से डिवाइड करना है। तो ऐसा क्या है कि चौवन की टेबल तो याद है नहीं तो छोटा ब्रेक कर करके हम लोग सिम्प्लीफाई कर सकते हैं है ना तो ब्रेक करने में ये है कि अगर हम मान लीजिए नौ से कैंसिल करते हैं तो नौ छत चौवन आएगा और नौ से कैंसिल करते हैं तो नौ गुड़े नौ इक्यासी और फिर हमारा आ गया फिर नौ छक चौवन तो छः से कैंसिल किया तो ये नंबर आ गई सोलह तो बेसिकली हुआ क्या कि ये हमारा सोलह दूनी बत्तीस और अट्ठाईस इनको मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली हुआ क्या कि अट्ठाईस दून छप्पन और सोलह इतना बचा है तो छप्पन मल्टीप्लाइड बाई सोलह दोस्तों सोलह से मल्टीप्लाई कर दो सोलह छक् के छानबे नौ कैरी सोलह पंच अस्सी और नौ मिल करके नवासी हुआ और इसमें पाँच सौ चालीस आकर के घट जाएगा है ना तो घटाएंगे तो नौ में चार पाँच छः और आठ में पाँच तीन तो तीन सौ छप्पन आ गया ये इस सवाल का जवाब थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ इसमें इस सवाल में है कि नहीं हाँ चौवन से डिवाइड अब कहाँ चौवन की टेबल याद भाई मुझको तो नहीं याद तुम्हें याद हो तो अलग बात है है ना मुझे तो नहीं याद चौवन की टेबल की डायरेक्ट चौवन से डिवाइड कर दे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट पे, पे मूव कर चुके हैं हम लोग ठीक है भाई चलो बढ़िया अच्छा 125 परसेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 बाई फोर लिख सकते हैं क्या है 125 परसेंट ऐसा लिख सकते हैं हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं देखो क्या लिखा गया 125 परसेंट अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे ये इस परसेंटेज से आप इस परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं कैसे क्योंकि प्लस माइनस तो कहीं है नहीं अभी वन से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर दस आएगा अभी देखो बचा कितना तो इधर बचा मेरा सेवन बाई सिक्स ऑफ एक्स ऐसा बचा हुआ है बराबर इधर एटी फोर मल्टीप्लाईड बाई टेन बचा हुआ है कितने बच्चों ने इस प्रकार से सॉल्व किया भाई ज़रा बताएं तो बारह दहमा कितना आ गया एक सौ बीस अभी ये छः मल्टीप्लाई होगा तो सात सौ बीस आ जाएगी वैल्यू ऑप्शन फोर इस प्रकार से कितने बच्चों ने सॉल्व किया कम लोगों ने किया होगा देखो प्लस माइनस तो कहीं था नहीं अगर प्लस माइनस नहीं था तो हमने क्या किया भाई हमने डायरेक्ट परसेंटेज रिमूव कर दिया अगले क्वेश्चन पे आते भाई नेक्स्ट पे आते हैं भाई रफ्तार के साथ भाई रफ्तार के साथ जोश ठंडा मत करो अपने सेशन का बढ़िया अभी इसमें जरा यूनिट डिजिट चेक करना यार अगर आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट एक मतलब एक ऑप्शन बता रहे हैं तो अभी नौ से नौ आ जाएगा क्योंकि नौ घुड़े नौ इक्यासी होता है यहाँ ज़ीरो आएगा यहाँ कितना आएगा पाँच तो नौ में पाँच घटाओगे चार कहाँ कहाँ दिख रहा है बस एक एक गेस किया मैंने क्योंकि उनतीस से डिवाइड करोगे है ना उनतीस से आप डिवाइड करेंगे है कि नहीं अभी ठीक है यूनिट डिजिट मैंने चेक किया अब एक बात बताओ जैसे 841 और डिवाइड बाय 29 लिखा है नौ को तुम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आखिरी अंक एक आ जाए तो नौ की पूरी टेबल में सिर्फ नौ एकमात्र संख्या है नौ को नौ से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट डिजिट वन आती है इसलिए यहां पे कितना बचेगा नौ ठीक है अगला सवाल चलो जी बढ़िया उनतीस का स्क्वायर आठ लिखा था वाह ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी 29 का स्क्वायर आठ सौ इकतालीस लिखा था लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया आई थिंक ये शॉर्टेस्ट अप्रोच होगी अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए जाए तो अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या पेन उठाने की जरूरत है साथियों आप बताना क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है क्या परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल होगा चार दून आठ चार चौक सोलह आएगा परसेंटेज डबल जीरो कैंसिल होगा चवालीस दोस्तों अट्ठासी आता है ऐड किया आठ आठ सोलह सोलह आठ चौबीस और एक मिलके पच्चीस बगल में लिखा गया एक्स स्क्वायर जवाब कितना आ गया सोलह के बराबर ऑप्शन फोर उड़ गया सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी और मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप बहुत तेज कर रहे होंगे ठीक है भाई चलो तो यहां पे कितना दिख रहा है आपको तीन तीन छे, छे और दो मिलकर के आठ ठीक है यहां पे आते हैं चार चार आठ आठ और एक मिलकर के नौ बाकी तीन दो पांच पांच और पांच मिलकर के दस हमें पता है ट्वेंटी परसेंट यानी पांच से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों यही हमारा आंसर होगा पांच अट्ठे चालीस चार कैरी रही पांच गुणे नौ पैंतालीस और चार मिलकर उनचास पांच एक कम पांच तो जवाब आया पांच हजार चार सौ नब्बे ऑप्शन दो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आपके स्क्रीन पर रहा यहाँ पे भी देखो भाई पावर कंपेरिजन वाला सवाल है यह भी हमारा पावर कंपेरिजन वाला ही सवाल है ठीक है तो बस करते हैं मुझे लगता है कि अब बस किया जाए ना इकतालीस हो चुका है चालीस प्लस हम मेरा मतलब मेरा खुद का टारगेट था कि चालीस प्लस का डिस्कशन हो जाए बाकी सौ सवालों की पी पीडीएफ आपके सामने लग जाए क्योंकि तो चालीस में क्या है कि जितने भी प्रकार की फ्रेमिंग होती है ना जितने टाइप के सवाल होते हैं वो सारे टाइप के सवाल हम लोगों ने ज़रूर डिस्कस कर लिए हैं आप लोग अपनी राय एक बार ज़रूर दें ठीक है क्योंकि हर प्रकार के सवाल पावर कंपैरिजन हो फ्रैक्शन हो डेसिमल परसेंटेज बेस जितने प्रकार की फ्रेमिंग होती है स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब कुछ हम लोग का हो चुका है अब इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही जारी रहेगी हम लोग की अभी चेक करते हैं हम लोग क्या लिखा गया यहां पे पॉइंट थ्री की पावर कितना लिखा है दोस्तों तीन अब यहां पे मल्टीप्लाइड बाय इसको लिख सकते हैं पॉइंट थ्री की पावर दो मल्टीप्लाइड बाय इसको लिख सकते हैं पॉइंट थ्री की पावर तीन और बगल में लिखा है इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट थ्री की पावर फोर है ना पॉइंट थ्री की पावर फोर और पूरे ब्रेकेट के बाहर अलग पावर लिखी एक्स प्लस टू लिखा गया है ना इसकी पावर फोर और पूरे ब्रेकेट के बाहर एक्स प्लस टू लिखा गया अभी जरा फोकस करते हैं बेस तो बराबर हुआ पावर पे फोकस करो तीन मल्टीप्लाई की जगह प्लस बगल में लिखा गया दो मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस यहाँ पे तीन और ये पूरा एक्सप्रेशन कितना बचेगा आपको हो गए बराबर फोर एक्स प्लस एट के बराबर है ना तो ये नंबर आएगी तीन दो पांच पांच तीन आठ आठ में आठ घटाओगे जीरो तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई जी ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन वन डन रहा आप लोग अपनी राय दें मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इकतालीस सवाल हम लोग कर चुके हैं डिस्कस लाइव डिस्कशन तो हर प्रकार की फ्रेमिंग हो चुकी है अब इसके बाद एक बार आप सरसरी निगाह डाल दें देंालीस चौलीस ये पीडीएफ आपके सामने पूरे हंड्रेड क्वेश्चन की आपके सामने होगी निकाल के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ठीक है जी <coughs> बाकी आप बताएं आपको कैसा लगा ये सेशन <coughs> मजेदार रहा मजा आया परफॉर्म करके दिमाग में चिंगारी निकली कि नहीं वो पहला स्थान लाने की जो ललक होती है पी डी मिलेगी देखो एक तो कमेंट बॉक्स में पिन होता है एक लिंक जिसको आप क्लिक करके एप्लीकेशन पर पहुँचते हैं और एप्लीकेशन पे अगर आप डायरेक्ट ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है मैथ भाई शांतनु शुक्ला करके कम्युनिटी एक होगी है ना एक कम्युनिटी उसमें आपकी डेली लग जाती है पीडीएफ ठीक है तो यहाँ पे ये यह हो गए आपके क्वेश्चन नंबर हंड्रेड डन तो सौ क्वेश्चन की ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल गई है इकतालीस सवाल हम लोगों ने लाइव डिस्कशन कर लिए कैसा लगा हाँ कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा डेली 8 पीएम ध्यान रखें साथियों डेली 8 पीएम हम लोग की लाइव सेशन हम लोग डेली जुड़ते हैं आठ बजे मॉक डिस्कशन के लिए ठीक है दोस्तों बाकी एक दो इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आठ आज छः तारीख है पाँच है आज छः सात आठ आठ तारीख को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है ठीक है और आप सभी ये संजीवनी एस बी आई क्लर्क के लिए बहुत स्पेशल एक सेशन है जिसमें तमाम चीज़ें आपके लिए होंगी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होंगी तो आप इस सेशन को जा करके लाइक करके इस बार रिमाइंडर वगैरह सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ठीक है जी नोटिफाई मी करके इस तरीके से कर लीजिएगा इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनको एस बी आई क्लर्क का पेड बैच चाहिए वो पेड बैच की प्राइस आज ड्रॉप की गई है ध्यान रहे ये टारगेट एस बी आई क्लर्क का बैच है इसकी प्राइस आज ड्रॉप की गई है और uh, <coughs> यहाँ पर मैं आपको जो कोड है वो बता देते हैं कोड है आपका वाई वन सेवन नाइन ध्यान रखें ठीक है कुछ भी आप एनरोल कर रहे हो वाई वन सेवन नाइन ये तुम्हारे भाई का रेफरल कोड है इसको आप यूज़ करेंगे प्राइस ड्रॉप है दो हज़ार के आसपास का ये बैच है ठीक है ना बाकी सब कुछ तो बैंक महापैक में है ये ठीक है कैसी लगी क्लास जरूर अपना रिएक्शन अपना व्यू और भी जो आप लोग को चाहिए वो आप लोग Uh, किस प्रकार की क्लासेस और भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे हम थैंक यू सो मच खुश रहें आप सब ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत प्यार दिया आपने इस सेशन को उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से डेली अपना प्यार बनाए रखेंगे शाम आठ बजे थैंक यू सो मच चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू